चालू कर दिया हम। हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, सबको आवाज आ रही है बिल्कुल ठीक, यस सर, यस सर, और स्क्रीन भी विजुअल हो रही है, पीछे लिखा हुआ है। ठीक यस सर, स्क्रीन विजिबल है सर, नो सिग्नल मतलब स्क्रीन विजिबल है, नो सिग्नल, सर, बिना लिखा हुआ सिग्नल नो सिग्नल सर स्क्रीन पे। के। अच्छा, आपकी स्क्रीन अपनी विजिबल है। यस सर, सर हमारी जो आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है सर, उस पे आ रहा है नो सिग्नल। अच्छा, मीन्स आपके यहाँ पॉल्यूशन कम है, विजिबिलिटी सही है। यस सर, ओके okay. चलो यहाँ का पॉल्यूशन भी हटाते हैं, ऑनलाइन जो पॉल्यूशन चल रहा है उसको भी हटाते हैं अभी यस सर। सर आज तो। वैसे भी कर्फ्यू है हाँ, कर्फ्यू तो है ही, सर, आज आप कैसे जाओगे? हम तो चले जाएंगे अंडरग्राउंड टनल से। अंडरग्राउंड टनल से चले जाएंगे। अच्छा, आप ओके विजिबल सर। हुआ? यस सर, ओके, सचिन सर नीचे से भाग गए सर। कौन कौन चले गए? सचिन सर हाँ, सचिन सर फिट कर रहे थे ना क्लास को, तो वो चले गए। तो आज जो मैं क्वेश्चंस का लाया हूँ कलेक्शन, दिस इज फॉर आपके पैकेज से वैसे तो मिल ली। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन कर लिया था, ग्राफिकल क्वेश्चन वाला पार्ट बाकी था, है ना? तो कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं, ये कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? ओके सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो ओके, काफी लोग आ चुके हैं हमें, निधि इज देयर, दिवांश, कृष्णा, मनोज, लव, लव्या, अर्नव, क्रिश एंड अदर। ओके, चलिए तो मैं खोल लेता हूँ। पहले हम जो करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पैकेज से ले रहा हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसमें, क्योंकि एनटीसी काफ़ी क्वेश्चन कवर हैं, तो वही हम लोग लेने वाले हैं। अभी एनटीएससी का फाइनल तो वन है, डेट कब, एनटीएससी कब से होने वाला है? नो no, सर अभी कोई डेट तो नहीं आई है। डेट तो नहीं आई है, अच्छा, जितना मेरे पापा मम्मी बता रहे सर उनके हिसाब से तो जनवरी में तो नहीं होगा। जैन में तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, जैन तो अब निकल ही गया, अभी तो यस सर, नोटिफिकेशन आएगा, फिर टाइम लगेगा उसमें। तो आई थिंक फेब में होगा मैक्सिमम, या मार्च में हो सकता है कि मार्च में चला जाए। सर फैब के एंड में या मार्च की स्टार्टिंग में तो हो ही नहीं सकता सर, बोर्ड है तब तो। नहीं बोर्ड, बोर्ड कैसे होंगे अभी? बोर्ड तो लेट होंगे अभी, फाइनल सर, बोर्ड तभी है, पहले हो गया क्या? से ही था सर, कैंसिल हुआ है क्या? नहीं, मींस अभी जैसा कोरोना वगैरह आया है तो आई डोंट थिंक कि बोर्ड टाइम पे हो जाएगा। यस सर, सर जायद जब बूढ़े हो जाएंगे सर तब होगा उनके हिसाब से। अच्छा, ऐसे लिख रहे हैं, यस सर, आंखें हमारी तरस गई हैं, एग्जाम कब होगा? अच्छा, नहीं हो जाएगा यार, कोई नहीं है, बस मेरे को लगता है लास्ट वेव होगी है कोरोना की, इसके बाद चीजें जो हैं ग्रेजुअली इंप्रूव होंगी, अब डाउन नहीं जाएगा जो मुझे लगता सर हो जाए वो पांच वाली वेव वाला गलत हो, कितनी। पांच वेव कौन कह रहा था? पांच वेव, जब आया था तभी बोला था पांच आएंगी, इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा, आई डोंट नो, जो 1920 वाली में आई थी, तीन वेव आई थी उसमें, जो मैंने 1920 का देखा था विकीपीडिया पे, तो तीन वेव थी उस टाइम पे, और सेकेंड वेव वाज द डेंजरस, जो सबसे मैंने मैक्सिमम पीक वाली थी। यहाँ सर पे भी, डेल्टा वेरिएंट, यहाँ पे भी कुछ ऐसी हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है कि दो वेव में जो है, सॉरी तीन वेव मैक्सिमम होंगी, और अब एक्चुअली वैसे भी जो है काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशन भी हो गया है, तो आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर ये तो जुकाम जैसा है वाला तो जो लास्ट आया। हाँ, इस बार वाला थोड़ा माइल्ड था, ठीक है, तो वो तो है। खैर, एनीवे, ग्राफ तो बनाते सर, क्वेश्चन तो पूछिए। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ग्राफ, ये ग्राफ जो है एक्चुअली वी वर्सेस टी है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? सर ऑप्शन सी, सर सी सी पॉसिबल सी है, ठीक है, क्यों, बाकी क्यों नहीं है? सर, टाइम सर कभी बाकी पीछे नहीं एक टाइम जाता पे दो सर। वेलोसिटी, सर एक टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। जैसे हम यहाँ पे कोई टाइम देखें, अगर तो इस टाइम पे यस दो या सर, तीन वेलोसिटी मान लो अगर आ गई कहीं पे, जैसे यहाँ पे तीन वेलोसिटी आ गई है, तो एक टाइम पे तीन वेलोसिटी नहीं हो सकती है ना, यस सर। तो सर यहाँ और ये भी कह सकते हैं सर, टाइम जो है पीछे चला गया आगे जाके, ये भी बोल सकते हैं कि टाइम पीछे चला गया, तो वो भी टाइम नेगेटिव। डिफिकल्ट है, नहीं हो यस सकता सर, है ना। फिजिक्स में तो तीनों हो नहीं सकते सर, डी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता।
डी पॉसिबल नहीं है, तो जो पॉसिबिलिटी है केवल सी ग्राफ पॉसिबल है, तो दिस ग्राफ इज ओनली पॉसिबल फिजिबल प्रैक्टिकल यस सर, सो सिचुएशन के यूनिफॉर्म है ना, लिए। बढ़ रही है यस घट रही है वेलोसिटी, पर टाइम बढ़ ही रहा है। बिल्कुल। अच्छा ऐसा ग्राफ अगर बने, मान लो कभी ऐसा ग्राफ बने, तो ये पॉसिबल है वीटी? यस सर, यस यस सर, सर यस पॉसिबल सर, है। ओके यस सर। तो अगर ये ग्राफ बना है वीटी, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या हो सकती है ऐसी जैसे ऐसा ग्राफ बन जाए? सर एक कार एक्सेलरेट कर रही है और फिर कुछ टाइम बाद वो रिटायर्ड करे, ओके और सर क्या? पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, और फिर सर एक टाइम पे पॉइंट पे रुक के फिर सर दोबारा से डिसेलरेट करें और फिर सर दोबारा से रेस्ट पर आ जाए। सर इसका स्लोप एक्सेलरेशन ही तो होता है वीटी का सॉरी सर, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो होता है। एक्सेलरेशन होता है। यस सर, सर वही पूछ रहा था। बिल्कुल एक्सेलरेशन होता है। अच्छा मान लो यहाँ द पे अगर स्लोप ग्राफ, कांस्टेंट, अगर स्लोप दिया होता आपको, मान लो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आता? सर 1/√3 सर आता 1/√3, वन एक्सेलरेशन। बाय रूट थ्री यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकाले तो वेलोसिटी कितनी आई, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा? सर 1/√3 सर 1/√3, 1/√3, और यहाँ पे निकालेंगे तो सर रूट थ्री, सर रूट थ्री माइनस रूट थ्री -√3 है ना, तो यहाँ पे सर नेगेटिव आएगा रिटार्डेशन है। यस सर, माइनस। वो आपने एंगल क्या दिया? यहाँ पे 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। यहाँ पे अगर आप ओके निकालोगे, वैसे अगर आप निकालोगे तो टेन आपको ये लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल है ना, तो टेन 120 लेना पड़ेगा। तो ये आपने पढ़ा है टेन यस वन ट्वेंटी कैसे निकालेंगे? सर 90 + 30 करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव और फिर cot 30। cot 30 नेगेटिव का, cot 30 मेरे ख्याल से 1060 के बराबर हो जाएगा, तो यस सर -√3। -1060 विच इज -√3। तो ये वाला जो स्लोप आएगा ये -√3 आएगा, और ये जो एक्सेलरेशन है ये 1/√3 है ना, तो ऐसा कुछ होगा। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, राइट? यस सर, ओके। सर ब्लर हो गई स्क्रीन, स्क्रीन सर ब्लर, नहीं ब्लर नहीं हुई, नहीं सर स्क्रीन तो क्लियर है। यहां से ब्लर नहीं होगी, अब जो भी होगा आपके वहां से होगा, आपके एंड से। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मैंने अभी स्टार्टिंग करी है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेने वाले सर ये हैं। तो शायद टेस्ट में भी आया कई बार। टेस्ट में भी आया है, यस सर, ये सेम क्वेश्चन सर, ग्राफ वाला। हाँ ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सर मैंने और अपन ये गणित, क्वेश्चन आपको पता ही होगा, इसमें जो है दो ग्राफ दिए हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक ग्राफ का स्लोप वीटी ग्राफ है, स्लोप इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी का कितना कितना होगा। ये तो सर ए इजी है। का 1/√3, बी का रूट थ्री सर 1/√3 और रूट थ्री। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए थे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 30 डिग्री, या फिर 1060, 1030, 1030, 1060। सर 10/30, तो 10/60, एक्सेलरेशन 10/30, 10/60। ऑफ ए इज 1030 एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी 1060। सर नाइस, तो ये हमें पता है, ठीक है। ओके आगे मूव करते हैं, आगे है हमारा चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, मुझे कुछ और ध्यान आ रहा था बीच में, लेकिन चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लेने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 46। हम एक्चुअली ग्रेजुअली ट्राई करेंगे ऊपर ऊपर लेवल बढ़ाने का। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है आपको ऐसा, ठीक है, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, तो दिस इज वीटी ग्राफ। अब इसका बोल रहे हैं कि एटी ग्राफ जो बनेगा वो कैसा होगा। तो एक हमें ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा, दिस इज 0, 1, 2, 3, एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा, वन टू थ्री, एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा,
और एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा कुछ। सर ए ऑप्शन सर होगा ए सर। ऑप्शन है, सर ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। तो यस अगर सर, वैल्यू दी हुई यहाँ पे, वैल्यू हमें जो दी थी वी की नहीं दी हुई, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। अगर क्योंकि सर 1 और 2 के बीच में कांस्टेंट हो जाता है, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेशन 0 है, ठीक है, यस सर। सर और वैसे यहाँ ये भी एक पर होता है ना उसके सर बाद क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे सर। एक्सेशन, यस एक सर, यहाँ पे एक्सेशन कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन है, यस सर, तो यस सर, और एंगल कांस्टेंट और एंगल सेम पॉजिटिव है। रहेगा, तो एक्सेशन कांस्टेंट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। यस एक सर, यस कांस्टेंट और सर, पॉजिटिव है, उसके बाद ये नीचे जा रहा है तो नेगेटिव है और कांस्टेंट है, नेगेटिव जीरो हो जाएगा। और कांस्टेंट, तो जो आंसर यस होगा वो ए होगा। सर, मेरा एक क्वेश्चन है यस सर, क्या ऐसा हो सकता है कि सर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी 0 है पर उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है? हाँ बताओ आपको क्या लगता है। सर जब एक बॉल ऊपर की साइड पे जाती है और जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तब एक्सेलरेशन 0 थोड़ी होता है सर। एक्सेलरेशन 9.8 होता है उस टाइम पे भी। यस सर, सर वो हाँ केस हो यस सर, सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल यही आंसर है इसका। अरे क्वेश्चन पूछा था क्योंकि ये 11th क्लास में आपको दिया हुआ है, जो 11th क्लास के बोर्ड की किताब पढ़ोगे ना जब, तो बोर्ड में दिया हुआ है क्वेश्चन। सर ये 10th में किसी ऐप में देखा था मैंने। हाँ वो तो पूछ लिया होगा, मीन्स यस आपको तो सर, आइडिया है। तो ऐसा हो सकता है कि जब वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन उसका तब भी हो वहां पे। सर 2D मतलब उनमें नहीं हो सकता जिनमें ग्रेविटी वर्क ना कर रही हो वहां भी हो सकता है, वहां भी पॉसिबल है, कई सर, वहां कैसे हो सकता सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मतलब मान लो, जैसे मान लो कि सपोज ये एक स्प्रिंग है और यहाँ पे कोई ब्लॉक आया किसी वेलोसिटी से और उसने से हिट किया, तो हिट करेगा तो कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेस जब करेगा तो करते करते वेलोसिटी 0 होगी कहीं पे, लेकिन जहाँ पे है? यस सर, वेलोसिटी 0 होगी वहां पे क्या फोर्स 0 होगा इस पे? नो सर, नो सर, नो नो सर, सर, स्प्रिंग तो फोर्स लगा रहा होगा इधर को। यस सर, के एक्स, एक्स फोर्स लगा ही रहा हूं। फोर्स, अगर फोर्स है तो एक्सेलेशन भी होगा। यस सर, ओके सर, तो ऐसे एग्जांपल हो सकता है कि ऐसा हो, है ना, या फिर कोई और भी एग्जांपल हो सकते हैं, फ्रिक्शन लग रहा हो, समथिंग हो रहा हो, तो बहुत सारे केस पॉसिबल हैं जहाँ पे ऐसा हो। सर, और एक ऐसा कि कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विदाउट वेलोसिटी, सॉरी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विदाउट एनी फोर्स, उस पर फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रहा, ऐसा केस हो हाँ सकता हो है सकता सर? है। वो तो स्पेस अगर फोर्स वेलोसिटी एक्स, हो गई तो फोर्स 0 ही रहेगी। हाँ तो वहां तो वेलोसिटी है ना, आप तो कह रहे हो वेलोसिटी ना हो लेकिन एक्सेलरेशन हो, है ना, तो वेलोसिटी ना हो ये वाले केस हो सकते हैं। ओके, तो कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आप अभी और क्वेश्चंस करोगे जब, मैंने और पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको कि और भी केस यस पॉसिबल सर, हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन किया, हमने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग ना। चौथा क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये है, आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे। अगेन ऐसा कुछ ग्राफ है, ये टी है और ये 2T है और ये 3T है। आपको बताना है कि व्हाट इज द ST ग्राफ। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ST ग्राफ है ये। पहला ऑप्शन है ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। मैं टी 2T 3T नहीं लिख रहा, वो भी लिख सकते हो आप, इसमें दिया हुआ है वैसे। अगला ऑप्शन है कि पहले ऐसे और फिर कुछ ऐसे है, फिर ऐसे है, कुछ स्ट्रेट है आई थिंक। तो ये टी है, ये 2T है और ये 3T है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, ये बी था, सी दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसे ऐसे और ऐसे। डी ऑप्शन है ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। डी डी ऑप्शन सर बी ऑप्शन, सर बी, बी सोच लो सब लोग, फिर पूछता हूँ रीजन, सर, रीजन डी क्या उसका, फिर है ना, सर, सोच मेरा लो, बी है। सोच लो सब लोग। फिर सर बी है ऑप्शन, डी सर बी, बी बॉम्बे। सर बी,
बी ऑप्शन बी कैसे होगा सर, सर, क्योंकि बी कैसे होगा? बाप में कहीं ना कहीं बॉडी एक कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे आ जा रही है, यस सर। और सर यहाँ बी में पे रेस्ट पे नहीं है कहीं। आपका ये एस कॉन्स्टेंट हो जा रहा है ना, यहाँ पे एस कॉन्स्टेंट यस सर। होने का मतलब कि वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो तब एस कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो सर और वेलोसिटी बाकी तो फिर सारे केस कोई भी हो ही सही नहीं चल सकते सकता। सर, सॉरी एस कांस्टेंट तो कहीं भी नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे वीटी में सर एस कांस्टेंट तो एकदम एंड में ही होगा कहीं। यस सर। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए, मान लो ग्राफ ऐसे चले जाए आगे कि वेलोसिटी जीरो हो गई, डिस्टेंस तो उसने रिटार्डेशन में भी ट्रेवल किया, एक्सेलरेशन में भी ट्रेवल किया, और कांस्टेंट वेलोसिटी में भी ट्रेवल किया है सर। हमेशा उसका ऊपर ही जाता रहेगा एस ग्राफ। तो सर फर्स्ट केस में तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, पर टाइम ही मतलब एक तरह से फर्स्ट में रेस्ट है और फिर लास्ट वाले में रेस्ट है, तो ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता सर, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है, और डी में भी सेम ही रीजन, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है, अच्छा। क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी कम हो सकता है, पीछे थोड़ी चली गई गाड़ी। डिस्टेंस कम नहीं हो सकता भी बोल रहे हो, ओके चलो ठीक है, ये भी एक लॉजिक हो सकता है। डिस्टेंस कम कब होगा, सर कभी नहीं होगा माने जब वो अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी किस केस में पॉसिबल है कि डिस्टेंस कम हो जाए, मतलब वीटी का ग्राफ कैसा होना चाहिए ताकि डिस्टेंस कम हो जाए? सर। नेगेटिव सर। नेगेटिव। सर अगर वो सर्कुलर मोशन में है सर, तब हो सकता है सर कम नहीं, होने इस लग केस जाए। में, इस केस में अगर ये ग्राफ नीचे चला जाए तब हो सकता सर तब तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो फिर भी बढ़ते ही जाएगा ना। है। हाँ मीन्स यहाँ पे लिखा नहीं है, एसटी ग्राफ लिखा है, तो एसटी में चेक कर लेता हूँ क्या लिखा है इन लोगों ने, एसटी ग्राफ को क्या बोल रहे हैं ये लोग। एसटी ग्राफ को ये लोग कह रहे हैं कि दिस इज विच ग्राफ, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर यहाँ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस, हाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन तो क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे? सर बी बी मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना पड़ेगा फिर है। ओके अच्छा, है। जब यहाँ से यहाँ जाएंगे हम लोग तो वेलोसिटी बढ़ रही है, यस सर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, यस सर तो क्या बनेगा, यस एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं हम लोग, तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा मान लो, यस सर। तो सर इट विल और हम बिकम ये भी ओ लगा सकते हैं सर, सी और डी एक और तरह से नहीं हो सकते बिल्कुल, क्योंकि सर सी और डी के जब मिड केस में बिल्कुल डिस्टेंस स्टार्ट ही नहीं हो रहा सर, आपने स्ट्रेट लाइन खींची है ना दोनों में बीच के टाइम पे, और सर इस टाइम पे यानी ये रेस्ट पे है, और वेलोसिटी रेस्ट पे जीरो होगी, क्योंकि ओके अगर यहाँ पे कम जा रहा होता तो नीचे जा रहा होता, तो सर ये तो हो ही नहीं सकते दोनों केसेस। ठीक है, तो देखो हमारा यहाँ पे एस कॉन्स्टेंट इक्वल टू वेलोसिटी में जो थीटा हो बनेगा एसटी ग्राफ में सर, वो इंक्रीज करता जाएगा, तो सर इसलिए वैसा वाला स्लोप आएगा स्लाइड टाइप। करेक्ट। अगर हम देखें कि जो एस टी का स्लोप होगा, एस टी का स्लोप क्या होगा, वी होगा, यस सर यस सर एस टी का स्लोप वी होगा, तो स्लोप हमारा वी बढ़ रहा है यहाँ पे, तो स्लोप बढ़ेगा, यस सर तो वी बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ेगा, मतलब कि आपका स्लोप ऐसे कुछ होगा, क्योंकि स्लोप बढ़ने का मतलब ये एंगल बढ़ना चाहिए, जो टेन थीटा होगा ये थीटा बढ़ना चाहिए आपका, यस सर ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ग्राफ देखो या तो ऐसे हो सकता था या फिर ऐसे हो सकता था। अब इस वाले में क्या है, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, सर घट रहा है सर इसमें घट रहा एंगल है घट रहा है आपका, लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है सर बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो यहाँ हमारा स्लोप इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे स्लोप हमारा, स्लोप हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में हम देखें अगर, तो इस वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, तो वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब स्लोप इंक्रीज करना चाहिए, यानी जो इनिशियल ग्राफ होगा हमारा वो हमारा ऐसे होना चाहिए जैसे ये है, यस या सर उसके बाद वी हमारा कांस्टेंट था तो स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, तो स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन, यस सर और उसके बाद फिर क्या होगा, स्लोप घटेगा, स्लोप घटेगा मतलब कि
क्या होगा, डिस्टेंस तो बढ़ेगा लेकिन स्लोप घटेगा, तो फिर ग्राफ कैसा बनना चाहिए, फिर ऐसा कुछ बनना चाहिए। यस सर, फर्स्ट केस टाइप। तो यानी ये ग्राफ जो एक्चुअली होगा वो शायद प्रिंटिंग गलत होगी, ऐसा कुछ होगा मेरे ख्याल से। यस सर। तो दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। है ना, तो दोबारा एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था हमारे पास, हमें पता है कि ये एस टी ग्राफ है, एस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी वो वी के बराबर होता है। तो हमें देखना है कि जो वी है वो क्या हो रहा है, तो वी बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ेगा। तो स्लोप बढ़ने का जो केस है वो ये वाला है, यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ तो घट रहा है, तो इन दोनों में से एक आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे स्लोप कॉन्स्टेंट है लेकिन जीरो नहीं है, लेकिन कुछ वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू स्लोप जीरो हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा ये रेस्ट पे चला गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन सकता है यहाँ पे। यस सर। बनेगा आपका, क्योंकि यहाँ स्लोप फिर घटता है, आपका स्लोप नेगेटिव है। मैं वही सोच रहा था सर, बी थोड़ा इनएप्रोप्रिएट है क्योंकि आखिर वाला जो पॉइंट दे रखा है और मिड वाला पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए क्योंकि अब कांस्टेंट हो गई है वेलोसिटी, और लास्ट वाला जो केसेस है उसमें डिसेलरेशन हो रहा है, तो उसमें ग्राफ जो है वो कांस्टेंट दिखा दिया यानी रेस्ट पे चली गई। ये तो पॉसिबल तब हो सकते हैं ग्राफ अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए, तब आपका एस घट सकता है, तो एस तो घटेगा नहीं, एस घटने का था वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए, वो इसके बाद हो सकता है ना। तो यहां से हो सकता है कि इसके बाद ग्राफ जो है नीचे आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो इसके बाद नीचे आ सकता है ग्राफ, लेकिन स्लोप कैसा होगा उसका, स्लोप कॉन्स्टेंट तो होगा नहीं, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा और नेगेटिव में स्लोप बढ़ रहा है आपका, तो नेगेटिव में स्लोप बढ़ेगा मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा यहाँ पे जब नीचे आएगा। ओके सर, ठीक है, तो ये इसके बाद पॉसिबल है, इसके जब आगे आप आओगे तब आपका ग्राफ नीचे जा रहा है वेलोसिटी का, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट घट सकता है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, तो पार्टिकल वापस आना शुरू कर देगा, तो उसका एस घटना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की, ये हमारे पास 80 ग्राफ दिया हुआ है, इस बार 80 ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, दिस इज 80 ग्राफ एंड यू हैव टू मेक द वीटी ग्राफ। ऑप्शन है ऐसा बी, ये ए ऑप्शन है, मान लो बी ऑप्शन में वीटी ग्राफ ऐसा है, वीटी है ये, ठीक है, सारे वीटी हैं। सी ऑप्शन में वीटी ग्राफ जो दिया हुआ है कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, और डी ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? डी ऑप्शन सब बी। वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ बी ऑप्शन सर बी। यस सर, ऑप्शन बी। क्यों होगा, क्या रीजन है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बीच वाला जो हम पॉइंट देखे सर उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। यस सर, तो वेलोसिटी कांस्टेंट जो है तो सर वो सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे सर, ए और बी बचेंगे सर, फिर जो लास्ट वाला है वो एक्सेलरेशन कर रहा है सर, एक्सेलरेट सिर्फ बी वाले में कर रहा है, लास्ट वाले में। अच्छा, यहां पे डीएक्सेलरेट, यहां डीएक्सेलरेट हो रहा है, तो ये हट गया। यस सर, मोस्ट एप्रोप्रिएट यही है क्योंकि सर फर्स्ट वाला जो है वो एक तरह से डिसेलरेशन ही दिखा रहा है, और डिसेलरेशन यहाँ किसी में हो नहीं रहा, तो उस हिसाब से तो सारे गलत है। करेक्ट, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है फिर जीरो है फिर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है फिर जीरो है फिर पॉजिटिव है। यस सर। यस सर। सर पर इसमें भी एक तरह से गलत है क्योंकि सर यहाँ पे फर्स्ट जो दिखाया हुआ है और सेकेंड पॉइंट जो दिखाया हुआ है वो कम हो रहा है, यानी डिसेलरेट कर रहा है वेलोसिटी। नहीं नहीं, कम नहीं है, वो स्ट्रेट ही है, इतना तो थोड़ा बहुत, इट इज कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल सर। फर्स्ट और सेकंड वाले में सर हाई और फिर लो कर दिए ना मैंने, कहां पे, इस वाले ग्राफ में बोल रहे हो? बी वाले में कहां पे बोल रहे हो कृष्णा? सर नॉर्मल ग्राफ जो दे रखा है सर उसमें हाई पॉइंट दे रखा है ना सर, वो कम हुआ है। ये बराबर है यार, इतना भी वो नहीं है, इक्वली है वो।
सर मैं कह रहा हूँ सर, जो ये हमें बिल्कुल यस सर, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है सर, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट जो बिल्कुल जीरो है सर, उनमें तो सर एक तरह से जीरो ही हो गई ना हाँ ठीक है, तो यहाँ जीरो हो गया ना, एक्सेलरेशन यहाँ पे तो जीरो यस सर, हो चुका है, वेलोसिटी कम जीरो होगी ना। नहीं कम नहीं होगी, वेलोसिटी वहां पे कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन जीरो हुआ है ना यहाँ पे, तो ओके सर मान लो वेलोसिटी उसने एक्वायर कर ली 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर से चलता रहेगा जब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा दोबारा, तो 10 से चलता रहेगा, फिर दोबारा एक्सेलरेशन आएगा तो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा 10 से 11 12। सर, नहीं सर, मैं बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है ग्राफ का, मान लो ये ए है, बी है, यस सी सर, सर ए बी, यस सर, सर ए बी सी वाली बात कर रहा हूं, हाँ, तो ए से बी तक एक्सेलेशन कांस्टेंट है, यस, एक्सेलेशन ओके कांस्टेंट सर, है मतलब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ओके सर, समझ गया, फिर बी के बाद यहां से यहां तक एक्सेलेशन फिर जीरो, एकदम से जीरो हो गया सडनली, ओके सर, समझ गया, ठीक है। ऐसा मान लो, ये मान लो कि आप कोई बॉल नीचे गिर रही है और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है फिर बीच में एकदम कैच कर से, ली और फिर छोड़ दिया। या मान लो बीच में ग्रेविटी गायब हो गई, ग्रेविटी एकदम से सीज कर गई, तो फिर क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा कुछ देर तक, यस सर, फिर ग्रेविटी आ गई दोबारा मान लो पिक्चर में, तो फिर वेलोसिटी फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया फिर बढ़ जाएगा, क्लियर हुआ। यस सर, यस सर, ओके अच्छा यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे कि अगर ये मान लो ग्राफ में आपको वैल्यू देता हूँ मैं एक बार को, है ना, मान लो ये वैल्यू है, ये वाला ग्राफ जो आपको दिया हुआ है सी ग्राफ, दिस इज करेक्ट, सॉरी बी ग्राफ था ये, तो ये ऐसा दिया हुआ है ना, यहाँ पे वी है और ये टी है, और मान लो मैं आपको वैल्यू देता हूँ कि ये टी मान लो 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, और ये वी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस बॉडी पे किस पॉइंट पे इंपल्स लग रहा है, इंपल्स पढ़ा आप लोगों ने ना, यस सर, तो कहाँ पे इंपल्स लग रहा है इस पे, अगर मैं ग्राफ ओ ए बी सी बनाऊं कहाँ पे इंपल्स लग रहा है, सर ए और बी पे, ए और बी पे इंपल्स, पहले इंपल्स होता क्या है, सर न्यूटन सेकंड उसका यूनिट होता है, मतलब फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम, मैंने एक इंपल्सिव फोर्स होता है ना, जैसे बोलता है कि बहुत एक ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए, यस सर, एकदम से मोमेंटम जब चेंज हो यस जाता है। सर, एकदम से मोमेंटम चेंज हो जाता है, आप बैट को हिट बॉल मारते हो बैट पे तो एकदम से उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, या टेनिस के रैकेट का जो मारते हो आप, तो एक इंपल्सिव फोर्स लगाते हैं रैकेट जो है टेनिस की बॉल पे, या फिर क्रिकेट का यस बैट जो सर, होता है बॉल पे, तो एकदम से मोमेंटम चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है या जीरो हो जाता है, समथिंग कुछ हो जाता है, सर यहीं तो पे भी वो कहाँ पे हो रहा है, सर, ए बी, ए ए और बी, और बी पे क्या हो रहा है, एकदम से सडनली जो है वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी जो है या एक्सेलरेशन एकदम से इसका चेंज हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम। यस सर, यस सर, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, इसको थोड़ा और देखेंगे बाद में। अच्छा आपसे अगर पूछूं कि, चलो बाद में देखेंगे इसको, इसमें एक्चुअली जो होगा ना आपको ये एस टी ग्राफ होना चाहिए था, आपको पता, अगर एस टी ग्राफ होता है यहाँ पे हमारा, मान लो एस टी ग्राफ देता है मैं आपको, सेम क्वेश्चन करते हैं, एस टी ग्राफ होता मान लो ये 1, ये 2, और ये होता है यहाँ पे मान लो 4 सपोज, और अब मैं पूछूं आपसे इंपल्स कहाँ पे लग रहा है, एक्चुअली ये क्वेश्चन बनेगा सही, मैं हट जाता हूँ एक मिनट ना, बस इसको ड्रॉप कर लूँ। यहाँ पे मैं पूछूँ आपसे कि इंपल्स सर कहाँ ए पे, और बी, ए और बी पे क्यों लग रहा है, ए और बी पे इंपल्स आपको, सर यहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई ना सर, ए और बी वाले पॉइंट पे, नहीं तो यानी सी पे भी होगा, मान लो अगर डी होता पॉइंट तो डी पे भी इंपल्स होता, सर ओए और बी सी के बीच में, इंपल्स में क्या होगा, इंपल्स से पहले और इंपल्स के बाद वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। यस यस सर, अच्छा अब यहां पे देखो, यहां पे वेलोसिटी यहां पे कांस्टेंट है या चेंज हो रही है, यहां तक सर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है,
कितना वैल्यू है अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं यहां से अंदर वेलोसिटी का वैल्यू निकाल सकता फोर मीटर पर सेकंड क्योंकि वन में फोर मीटर चला है तो वेलोसिटी और कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन तो है नहीं यहाँ पे यस सर ये कैसे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन जीरो है कैसे बोल सकते हैं सर क्योंकि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है इसका मतलब वी कांस्टेंट है और वी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है ठीक है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो है ठीक है तो वी कितना हुआ यहाँ पे फोर ये हुआ आई थिंक ये क्लियर है इसमें किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक नो सर सर मैं लेफ्ट हो गया था सर अच्छा मैं ये पूछ रहा था सर मैं बोल रहा था मैंने गलती से सर वो लेफ्ट क्लिक कर दिया सर इंस्पेक्ट खुल गया सर उससे वो लीव वाला बटन दब गया माइक की जगह पर अच्छा जैद भी लेफ्ट हो गया था क्या जैद वाज सेइंग समथिंग ओके आई वाज सेइंग कि मैं ये कह रहा था यहाँ पे कि यहां से यहां तक अगर हम देखें तो आपका जो स्लोप है वो कॉन्स्टेंट है यानी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है हम ये बोल सकते हैं या फिर जैसे अर्नम ने बोला कि s प्रोपोर्शनल टू t है इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक एक्सेलरेशन जीरो है ये बात इसमें किसी को डाउट तो नहीं है नो सर है ना क्योंकि एस टी ग्राफ है एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें वेलोसिटी तो यहाँ पे वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है स्लोप कॉन्स्टेंट है क्योंकि यस सर तो स्लोप कॉन्स्टेंट है कितना मैंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वेलोसिटी तो सर स्लोप से निकल जाएगा तो आप निकाल लोगे यहाँ पे स्लोप से निकाल लो या तो y बाय x करके तो y 4 है या 1 है तो 4 बाय 1 या फिर s बाय t करके तो वेलोसिटी यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड है यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है नो सर क्लियर है सबको ठीक है अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है जीरो सर जीरो जीरो तो ये सडनली जीरो हो गई यस सर कितने टाइम में होगी जीरो ये सर बहुत कम टाइम विद इन फ्रैक्शन मतलब यहाँ तो लग रहा है जीरो सेकंड में बिल्कुल एकदम यहीं पे हो गई इस पॉइंट पे यस सर तो बिल्कुल टाइम मिला ही नहीं से जीरो हो गया तो कैसा फोर्स लगा हुआ यहाँ पे इंपल्सिव फोर्स लगा होगा है ना ऋषभ क्या पूछा कुछ पूछ रहे हैं कि आप लोग कमेंट में कुछ बात कर रहे हैं नो सर कोई डाउट है कुछ हेलो सर नो सर अच्छा नहीं कुछ पूछ रहे हो तो बता दो तो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है ठीक है तो वेलोसिटी हमारी चार से घटके जीरो हो गई अगर मैं यहाँ पे इंपल्स निकालना चाहूँ तो इंपल्स क्या होता है मेरा फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम एफ टी या चेंज इन मोमेंटम लिख सकता हूँ मैं यस सर चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये एफ टी भी होता है ये चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं हम लोग क्योंकि एफ एफ क्या होता है डीपी बाई डी टी डेल्टा पी सर तो एफ डी टी को हम डेल्टा पी लिख सकते हैं डेल्टा पी मतलब पी टू माइनस पी वन यस सर फाइनल क्या लिखूंगा एम इंटू जीरो यस सर माइनस एम इंटू कितना फोर फोर पहले वेलोसिटी फोर थी बाद में जीरो हो गई तो ये मोमेंटम yes. होगा बाद में और पहले इनको माइनस करूंगा तो मोमेंटम कितना आ जाएगा माइनस माइनस फोर एम सॉरी इंपल्स जो आया तो इंपल्स हमारा जो आया माइनस फोर एम तो एम का अगर वैल्यू में पता हो तो वी कैन फाइंड द इंपल्स ऑल्सो इंपल्स ये बात सबको क्लियर हुआ यस सर यस सर किसी को डाउट है तो बताओ अभी मैं फिर नहीं तो पिछले क्वेश्चन में वापस जा रहा हूँ क्योंकि वहां पर हमने गलत किया था कुछ तो यहाँ पे क्लियर है सबको ये यस सर यस सर यस सर क्लियर है इस क्वेश्चन में पूछा था आपको यहाँ पे कि इंपल्स है या नहीं है तो यहाँ पे क्या इंपल्स है या नहीं है देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है दो है नो सर यहाँ पे इंपल्स नहीं होगा और यहाँ पे वेलोसिटी दो ही है ना वेलोसिटी फर्क थोड़ी पड़ा है yes, sir, yes, sir. तो यहाँ कोई इंपल्स नहीं है ओके सर समझ गए है ना यहाँ पे क्या वेलोसिटी हाँ यहाँ पे वेलोसिटी दो है यहाँ पे और यहाँ पे भी दो ही है मैंने यहाँ पे 1.99 मान लो यहाँ पे दो मान लो आपने बोला था वेलोसिटी में चेंज आना हाँ वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए तब सर सडन चेंज वो भी सर इनमें तो यहाँ पे है नहीं सर हाँ मैंने दोनों चीजों को कंपेयर करो एक तो केस है कि ग्रेविटी मैंने बॉल नीचे गिर रही है और ग्रेविटी गायब हो गई और फिर ग्रेविटी आ गई थोड़ी देर बाद तो वहां पे इंपल्स तो नहीं लगा ना मैंने बॉल नीचे आ रही थी ग्रेविटी गायब हो गई थोड़ी देर के लिए तो बॉल फ्री फॉल करती रही मैंने फ्री फॉल भी नहीं बोलेंगे उन्हें गिरती रही कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से
और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा ग्रेविटी आ गई, तो ये इंपल्स नहीं है। ठीक है सर, लेकिन अगर ऐसा कर दे दो प्लैनेट्स को कनेक्ट कर दे बीच में स्पेस हो सर तब हो जाएगा। नहीं नहीं तब भी नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो ये केस आ जाए कि अगर मान लो बॉल नीचे गिर रही थी और ये फोन आ गया बीच में, बॉल नीचे गिरी थी यहाँ टकराई और वेलोसिटी जीरो हो गई, तो ये इंपल्स है कि वेलोसिटी उसकी बड़ी जीरो वन टू थ्री फोर और फिर जीरो, तो तब इंपल्स बोलेंगे हम या नहीं बोलेंगे? यस सर बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे। yes, आपकी पहले बड़ी जीरो वन टू थ्री फोर और फिर टकराने के बाद जीरो हो गई एकदम से, तो वो केस कहां पे हुआ था? वो केस यहां पे हुआ था कि फोर से जीरो हो गई थी, है ना? लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे कांस्टेंट है, दो थी वेलोसिटी और दो ही है उसके बाद भी, तो यहां पे इंपल्स नहीं लगा, यहां पे जो फोर्स है वो गायब हो गया, बस ये हुआ है। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा जो है सेकंड जो अभी चैप्टर है उसका भी थोड़ा सा देख लिया, यहां पे इंपल्स जो आएगा आपका, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी कॉम्पिटिशन में पूछ चुके हैं। एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आया था, ऐसा करके पूछा था, फिर यहां पे पूछा था कि इंपल्स कितना लगेगा, तो आपको यहां की वेलोसिटी बतानी थी और यहां की वेलोसिटी, फिर दोनों का चेंज इन मोमेंटम, और वहां से फिर इंपल्स निकाल सकते हो, तो यहां पे भी निकाल सकते हो, चाहो तो यहां पे भी निकाल लोगे, यहां पे भी निकाल सकते हो इंपल्स, तो सेम आ रही सारी वैल्यू, तो कोई भी एक वैल्यू निकाल के आपको आंसर बताना था, तो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, दिस वाज एम्स, ये एम्स में पूछा गया था, उसमें भी आप देख रहे हो वेलोसिटी वीटी ग्राफ था, तो यहां पे इंपल्स है, यहां पे सॉरी वीटी नहीं था, ये एसटी ग्राफ था, यहां पे इंपल्स है, यस सर, तो इंपल्स का वैल्यू निकाल सकते हो? यस सर। तो इंपल्स का वैल्यू निकालने के लिए हमें यहां पे वेलोसिटी चाहिए, यहां पे वेलोसिटी चाहिए, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा, क्लियर है ये बात? यस सर। अब यहाँ स्टूडेंट को कंफ्यूजन कहाँ हुई थी, स्टूडेंट जो है इंपल्स का साइन नहीं निकाल पाए थे कि साइन क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस, तो यार जब चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ऑब्वियसली, तो फाइनल जीरो है, इनिशियल यहाँ पे पॉजिटिव है, तो फाइनल साइन क्या आएगा इंपल्स का, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। बाकी लोग बताओ सबका क्या आना चाहिए साइन? सर नेगेटिव। नेगेटिव आना चाहिए ना साइन यहाँ पे? यस सर। यस, तो साइन यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन था मेरे ख्याल से माइनस फोर, अच्छा यूनिट क्या आएगी अगर मैं यूनिट बोलूँ यहाँ पे? तो सर न्यूटन सेकंड। हाँ, या तो मैं फोर्स इनटू टाइम करूँगा तो न्यूटन सेकंड करूँगा, या मैं चेंज इन मोमेंटम से देखूँ तो मोमेंटम क्या होता है मेरा, मास इनटू वेलोसिटी, तो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगी, तो वहां पे केजी मीटर पर सेकंड में आंसर दिया हुआ था, तो प्लस फोर था एक और एक माइनस फोर था ऑप्शन, तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो गए थे कि प्लस फोर करना है या माइनस फोर करना है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा साइन। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया ये? यस सर। सर ये पता चलेगा कि कहां से कहां तक में वेलोसिटी मतलब डिफरेंस है? ये देखो, अगर ये एसटी ग्राफ है मान लो, तो यहां से और यहां तक मान लो मैं पूछूंगा आपसे, तो वेलोसिटी क्या चेंज हुई है, कांस्टेंट है? सर कांस्टेंट। कैसे पता? सर सीधा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, सीधा स्लोप कांस्टेंट है, यहां तक भी कांस्टेंट है, यहां भी कांस्टेंट है, यहां भी कांस्टेंट है, तो यहां कोई वैल्यू है, मान लो आपने वैल्यू निकाल ली, दो निकाल ली मान लो, ठीक है? यस सर। अब यहां पे जो वेलोसिटी है यहां से यहां तक कांस्टेंट है? यस सर। लेकिन क्या ये वैल्यू इसके बराबर होगी? नो सर। नो, स्लोप से निकालनी पड़ेगी आपको, क्या वेलोसिटी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, पहले तो ये बताओ। सर नेगेटिव। नेगेटिव होगी। अब मान लो आपने स्लोप से वैल्यू निकाली और वो आ गई माइनस थ्री आ गई मान लो, तो वेलोसिटी कहां पे चेंज हुई है? यहां पे चेंज हुई है। यस सर। यहां तो कहीं चेंज नहीं हुई। यस सर। यहां भी चेंज हुई, फिर यहां जाओगे तो कहां चेंज होगी? यहां चेंज होगी, फिर बी पे। यस सर। यस सर। तो वेलोसिटी हमारी चेंज हुई है ए पे, ए बी सी और डी, इन पे चेंज होंगी। यस सर। तो इंपल्स हम कहां पे बोलेंगे, कहां पे लगा इंपल्स हमारा? एक तो ए पे लगा है, फिर बी पे लगा है, फिर सी पे लगा है, फिर डी पे, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? यस सर। एक तरह से पहले और मतलब बाद में जो हुई और पहले जो थी उनके बीच में जो पॉइंट हो। बिल्कुल, अगर एकदम से आपकी वेलोसिटी कहीं पे चेंज हो रही है, मान लो एकदम से कहीं पे वी चेंज हो रहा है आपका, मान लो वीटी ग्राफ आपका कुछ, अगर वीटी ग्राफ दिया है मान लो वी आपका ऐसा है कि ये वी है और अगला वी ये है, ऐसा ग्राफ बन गया मान लो, तो क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंपल्स लगा है? यस सर। अगर ये वीटी ग्राफ हो, yes, तो ये दो है और ये चार है और यहाँ पे कोई टाइम है ये मान लो टी, तो इस टाइम पे इंपल्स लगा है यहाँ पे पॉइंट ए जो भी मान लो,
है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि इंपल्स बताओ, मान लो बॉडी का मास 4 kg या 5 kg है, कितना इंपल्स लगा यहाँ पे, कैन यू कैलकुलेट द इंपल्स वैल्यू ऑफ इंपल्स? सर 10 newton second. यहाँ पे जो देखेंगे मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, वेलोसिटी फाइनल 4 है तो मोमेंटम कितना हो जाएगा 5 into 4, है ना? Yes, sir. और इनिशियल कितना होगा? Yes, sir. 10. तो कितना आ जाएगा ये 10 kg meter per second. दिस इज चेंज इन मोमेंटम. तो यहाँ पे जो इंपल्स लगा होगा वो 10 का लगा होगा इस पॉइंट पे. क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इसी चीज को ST ग्राफ बनाता तो उसका स्लोप कैसा आता? पहले स्लोप कितना होता यहाँ पे, 2 होता. Yes, sir. और फिर कितना होता, 4. तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता. Yes, sir. Yes, sir, ऐसे बनता. स्लोप कम है और फिर स्लोप बढ़ गया, 4 हो गया. तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे इंपल्स लगा है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये ST ग्राफ से समझाया मैंने आपको, ये VT ग्राफ से समझाया, राइट? चल, अगर कांस्टेंट नहीं होगी वेलोसिटी तो कैसे? अगर कांस्टेंट नहीं हुई तो उसे इंपल्स तो नहीं बोलेंगे, एक ऑर्डिनरी फोर्स लग रहा है उसका मतलब. मान लो वेलोसिटी आपकी जो है ऐसे हो रही है, ऐसे बढ़ रही है या फिर ऐसे बढ़ रही है कुछ, तो इसको इंपल्स तो नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा एक फोर्स उस पर लग रहा है जो उसको एक्सेलरेट करा रहा है और उसके कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. इट इज नॉट अ इंपल्सिव फोर्स. इंपल्स होता है कि सडनली वेलोसिटी चेंज हो, यहाँ पे सडनली चेंज नहीं हो रही, ग्रेजुअली चेंज हो रही है. सर अगर उस पॉइंट से पीछे अगर कांस्टेंट ना हो, उस पॉइंट से पीछे कांस्टेंट ना हो मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बन जाए कि ऐसा हो और फिर ऐसा हो. यस सर, मतलब बाद वाला कांस्टेंट हो जाए. बाद वाला कांस्टेंट हो जाए मतलब पहले ऐसे हो और फिर ऐसे कुछ, या ऐसे कुछ बोल रहे हो? यस सर. हाँ तो सर प्रॉब्लम आपको एक्चुअली ना इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए होगी जो बिल्कुल जस्ट कोलाइड, मैंने जहां पे बॉल टकराई है उससे जस्ट पहले यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है आपको ये पता होना चाहिए बस, और जस्ट बाद में कितनी है ये पता होना चाहिए. तो देखो यहाँ पे आप निकाल ही लोगे स्लोप से. यस सर. बाद का ये तो जीरो होगा स्लोप या कुछ होगा तो आप वैल्यू निकाल लोगे. पहले का स्लोप आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो आपको यहाँ का टेन थीटा पता होना चाहिए कि टेन थीटा टकराने से पहले कितना स्लोप था यहाँ पे. तो हमें केवल इस पॉइंट से मतलब है, बाकी पीछे क्या हो रहा था उससे मतलब नहीं है, टकराने से पहले और टकराने के बाद. ओके. यस सर. जैसे मान लो क्रिकेट में अगर देखें तो क्रिकेट में जब बॉलर बॉल फेंकता है तो जो बॉल आती है मान लो जब टकराती है जमीन से, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या उसके बाद बैट तक आने तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहती होगी बॉल की? नो सर. वेरिएबल होती होगी. क्यों होती होगी वेरिएबल? सर फ्रिक्शन से एनर्जी लॉस होता है. फ्रिक्शन तो किसका फ्रिक्शन? सर एयर का और जमीन पर टकराती है. हाँ जमीन तो मैं भूल जाता हूँ, जमीन से टकराने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं. सर एयर फ्रिक्शन. एयर फ्रिक्शन रहेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी बॉल की? यस सर. तो वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाएगी, तो वो तो चेंज हो गई ग्राफ उसका, और जब बैट से टकराई उसके बाद वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, है ना? यस सर. तो हमें मतलब कब है, हमें इंपल्स अगर निकालना है बैट का तो हमें बैट से टकराने से जस्ट पहले का वो चाहिए वेलोसिटी. उससे पहले क्या हुआ वो मतलब नहीं है. जस्ट पहले क्या था और जस्ट पहले और जस्ट बाद क्या था, जस्ट बाद वेलोसिटी क्या थी? ओके सर. क्लियर? यस सर क्लियर. ओके. तो बाकी उससे पहले अगर कुछ होगा तो वो तो एक नॉर्मल फोर्स के कारण हो रहा है, जिस पे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का एयर का, उसके कारण वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट उसे हम इंपल्सिव फोर्स नहीं बोलेंगे, उसे हम नॉर्मल फोर्स बोलेंगे केवल. इट इज नॉट एन इंपल्सिव फोर्स. मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर जा रहा हूं. तो हम कर चुके हैं 943. ये तो आपको पता होगा अगर हमारा VT ग्राफ हमें दिया हुआ है, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्या पूछता है इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली इस क्वेश्चन में क्या पूछा होगा? डिस्टेंस पूछ लेगा सर. इंपल्स तो तब भी होगा जैसे सर नहीं नहीं ये तो अलग क्वेश्चन, इंपल्स वाला भूल जाओ, इंपल्स नहीं है इसमें. इस क्वेश्चन में क्या पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस में?
नहीं तो डिस्टेंस निकालना हो क्या पता? डिस्टेंस निकालना पूछते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना? तो इसमें बोला है कि 8 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। यहाँ पे जो ग्राफ है मेरे ख्याल से 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पर है, और दिस ग्राफ इज ये थोड़ा सा गलत बन रखा ग्राफ, 7 आई थिंक यहाँ पे है, ये 8 है, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू 4 है ये, और ये वैल्यू जो है -2 है, -2 4, दिस इज द ग्राफ। तो व्हाट दे आर सेइंग, दे आर सेइंग व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड, सॉरी 8 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो कैलकुलेट करो सब लोग कितना होगा। सर 4 मीटर। 4 मीटर, ओके। ऑप्शन में कुछ और दे रखा, लेकिन ग्राफ हो सकता है उनका कुछ गलत बना है, चेक करना पड़ेगा हमें। आप लोग देखो सब लोग आंसर कितना रहे। अगर मैं अलग अलग एरिया निकालूं, सॉरी सर, सर 6 मीटर आ रहा है, सर 6 मीटर आ रहा है, 6 मीटर आ रहा है, 6 है ऑप्शन में। अगर मैं अलग अलग एरिया निकालूं, ऐसा पूरे का भी निकाल सकते हो, आपको पता है फॉर्मूला ट्रेपेजियम का, लेकिन मैं अलग अलग निकालूं तो 1/2 बेस इनटू हाइट करूंगा तो उसका एरिया 2 आएगा। इसका एरिया 2 आएगा, इसका एरिया 2 × 4 = 8 आएगा मेरे ख्याल से, 2 × 4। इसका एरिया जो आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका 2 आएगा। यहाँ का निकालूंगा तो 1/2 बेस इज 1 एंड दिस इज -1 आ जाएगा, -1, इसका -1 आ रहा है। यहाँ पे निकालूंगा तो ये 2 है और ये -4, -4 है, 1/2 -1 आएगा फिर दोबारा, तो ये -1 है, ये -1 है, ये -4 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 2 है। तो अगर मैं एरिया निकाल रहा हूँ यहाँ पे तो मेरा 8 और 2 10 और 2 12, तो 12 पॉजिटिव का आ रहा है और 6 नेगेटिव का आ रहा है, तो 6 आना चाहिए आई थिंक। आ रहा है सबका 6 आंसर आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। जय भी आल्सो सेइंग 6, ओके। तो बाकी सब लोगों का आंसर आ गया पॉजिटिव, 6 मीटर आ रहा है। तो बाकी लोगों का भी आंसर आ गया मेरे ख्याल से सबका ना। यस सर, क्वांटिटी है तो 12 और 6 को ऐड करेंगे तो 18 मीटर आएगा, 18 मीटर आएगा, ठीक है जेल, ठीक है। तो सब लोग बता रहे हैं आंसर अपना कि 18 मीटर और 6 मीटर, तो ये आई थिंक कर सकते हो आप लोग। इसमें मैथमेटिक्स का ज्यादा यूज होना है, फिजिक्स का यूज तो कम है, मैथ्स का ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाले क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आएगा तो, राइट? यस सर, यस सर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इसका जो मैंने लिया हुआ है आज का क्वेश्चन नंबर 5, ये है यहां से, ये GST/ST का है, वैसे तो ये IIT का क्वेश्चन है बेसिकली, पहले IIT में आया था उसके बाद इसमें आया है। तो ये क्वेश्चन ये दे रखा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम rest and its AT graph is given like this. This is AT graph, this is 10, this is 11, this is 0. The question is the maximum speed
of the particle is? Sir, 55 meter per second. Yes, sir, 55. किया हुआ पहले? Yes, sir, किया हुआ था. नहीं किया था. नहीं किया था. अच्छा मैं इसको अगर रेस्ट हटा दूं यहाँ पे, चलो मैं चेंज कर दूं क्वेश्चन को थोड़ा सा. रेस्ट क्या करना है? विद इनिशियल स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, तब क्या आंसर आएगा? आप करो 58 मीटर पर सेकंड. 58. ओके चलो सब लोग करके बताओ सोच के. जैद भी कर रहे हैं 58. ओके बाकी लोग भी बताओ क्या आ रहा है. मैं माउस का माउस आज तो बारिश हो रही है, बहुत ठंड हो रही है मेरे ख्याल से. यस सर. यस सर. हाँ तो सुबह से एक्चुअली हम मीटिंग में थे, फिर हम कुछ पेपर बनाना था एक में, फिर तुम्हारी क्लास की तैयारी कर रहा था तो बाहर देखा कोई बोला बाहर बारिश हो रही है. अच्छा तो बाकी लोग मनोज को, मनोज भी कह रहे हैं 58. ओके मनोज ने भी निकाल लिया, बाकी लोग भी बत निकाल लो फटाफट से, 2 मिनट का टाइम और ले लो. नेक्स्ट आई बात है. नेक्स्ट नेक्स्ट हम एक्चुअली चैप्टर वो करेंगे, अभी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा हमें लॉज ऑफ मोशन का, फोर्स वगैरह का जो हमारा है न्यूटन लॉ वगैरह, तो वो पढ़ेंगे हम उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है. फ्रिक्शन. अरे यार फ्रिक्शन अलग से क्लास लेनी पड़ेगी फ्रिक्शन की मुझे. फ्रिक्शन तो एक बड़ा टॉपिक है यार, बड़ा मतलब कि तुम लोगों के लिए तो बताना पड़ेगा सब कुछ. सर एनटीएससी में उससे एक बार मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन करके भी क्वेश्चन आ गया था सर, वो नहीं समझ आया था. चलो देख लेंगे, तुम लोगों का तो ज्यादा नहीं है, तुम लोगों का तो कम ही है. वो देखो कह रहे हैं IIT JEE लेवल फ्रिक्शन, काइनेटिक स्लाइडिंग. रोलिंग नहीं पढ़ाना, रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ा दो. सब अच्छा. टाइम का तो लिमिट है भी, पहले जो वो है पहले वो चीज़ कर लेते ना, मेन मेन जो है फिर करेंगे एक बार, इनको रिव्यू करना है फिर खाली क्लास में करते रहेंगे जो भी करना है. तो बाकी लोगों ने आंसर निकाला भी? बाकी लोगों ने आंसर नहीं लिखा? बता तो दिया. यस सर आ गया. आ गया प्रथम कह रहे हैं, आ गया. ऋषभ कह रहे हैं कितने भारी नाम हैं. वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स मैंने अभी खत्म कराया है 12th क्लास को, अभी वो लोग एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं अब. तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास 80 ग्राफ है, 80 ग्राफ से हमें क्या मिल सकता है? एरिया, डेल्टा एरिया. इसका अगर एरिया निकाले तो क्या मिलेगा उससे? वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी. यस सर, वी माइनस चेंज इन वेलोसिटी. ये हमें देगा डेल्टा वी. ठीक है तो इससे हमें डेल्टा वी मिलेगा सर, 55 मीटर पर सेकंड, यानी वी टू माइनस वी वन आएगा. तो एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना है इसका? 55 है. दिस इंप्लाइज दैट वी टू माइनस वी वन विल बी 55 मीटर पर सेकंड. तो यहां से वी टू कितना आ जाएगा हमारा? 55 प्लस वी वन, तो यहाँ पे 55 प्लस 3 हो जाएगा अगर इनिशियल स्पीड दी हुई है आपको. तो 58 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर. अगर जीरो दिया होता जो क्वेश्चन में इनिशियली दिया हुआ था तो 55 आता, अदरवाइज 58 आता. इज इट ओके? यस सर. ठीक है. यहाँ पे बच्चों का प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे जो डाउट करते हैं, ज्यादातर बच्चे जो IIT में बच्चे कर नहीं पाए थे क्वेश्चन, बच्चों को ये लगा कि एक्सेलेरेशन घट रहा है. तो अगर एक्सेलेरेशन घट रहा है तो वेलोसिटी बढ़ कैसे रही होगी? बच्चों को लगा कि यहाँ पे मैक्सिमम कैसे हो सकती है वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन घट रहा है.
क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर ऐसे तो ऐसा क्वेश्चन जो पहले मैंने सर पूछा था कि उसमें वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन उसका जीरो नहीं है सर, उस क्वेश्चन में नहीं फंसते सर अगर इसमें फंस गए तो। हाँ ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे यहाँ पे? सर एक्सेलरेशन घट रहा है इसको ना देखें, अगर ये देखें कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है तो ओके सर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आएगा, तो सर दिस मीन्स कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा ही ना। और बेटर एक्सप्रेशन थोड़ा सा वो है सर, वो धीरे धीरे घट रहा है लेकिन सर नेगेटिव में नहीं जा रहा, मतलब सर रिटार्डेशन हो रहा है ना यहाँ रिटार्डेशन नहीं हो पे, रहा उसमें। हाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं हो रहा लेकिन पॉजिटिव है ना, ये बोल सकते हैं हम। वेलोसिटी तो एक तरह से सर डिस्टेंस तो ट्रैवल बढ़ ही रहा है और रिटार्डेशन यानी कम हो रही है धीरे धीरे वेलोसिटी। हाँ रिटार्डेशन एक्सेलरेशन कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी यस क्या सर होगी? बढ़ती जाएगी है ना, बस उसकी स्पीड कम, माने बढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि मान लो मैं आपको पैसे दूं, मैंने आपको पहले 10 रुपए दिए, फिर मैंने आपको 9 रुपए दिए, फिर 8 रुपए दिए, फिर 7 रुपए, तो आपके पैसे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? बढ़ बढ़ रहे हैं रहे हैं, बढ़ रहे लेकिन बढ़ने की स्पीड कम होती जा रही है। मैं आपको फिर यस 7 रुपए दे सर, रहा हूँ, फिर 6 रुपए दे रहा हूँ, फिर 3 रुपए दे प्रॉफिट रहा हूँ, कम होता जा रहा है। है ना? तो इस हाँ मैंने कम होता जा रहा था, आपकी स्पीड घट रही है। लेकिन अब मान लो मैं आपसे यहाँ लेना शुरू कर दूं, 1 रुपया लेना शुरू कर दूं, 2 रुपया लेना शुरू कर दूं, अब क्या होगा? सर अब कम सर होने अब हम लगे, कंगाल बिल्कुल होना स्टार्ट होने लगे। अब घटेगा आपका। तो यानी जब एक्सेलरेशन अगर कम होता तो वेलोसिटी घटती, नेगेटिव होता, सॉरी कम होने से फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव होना चाहिए। तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो घटेगा, लेकिन यहां से यहां तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ग्राफ आपका इससे ऊपर है तो पॉजिटिव ग्राफ है क्योंकि, तो यहां तक आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो ग्राफ चाहे कैसा भी हो, चाहे ग्राफ ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो कैसा भी हो, यहां तक आपका वेलोसिटी बढ़ना ही बढ़ना है, अनटिल और अनलेस से ग्राफ नेगेटिव की तरफ ना चले जाए, आपका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा ही करेगा, राइट? यस सर ओके अच्छा, पैसे कंजूस कौन है? मैं तो दे रहा हूं ना पैसे आपको, तो मैंने दिए तो वापस ले लिए बाद में, यस सर सर कंजूस बच्चे कैसे हम हुए? अच्छा कंजूस है सर, वापस नहीं खर्च करोगे? कर लेने चाहिए थे। अच्छा ठीक है, तो हमने जो है पहला चैप्टर ढंग से देख लिया, उसके ग्राफिकल वाले भी देख लिए, ग्रेविटी वाले क्वेश्चन, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, और तीनों इक्वेशन जो आपकी हैं उन सबके क्वेश्चन हमने सारे देख लिए हैं। अब हम जो है अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर है, बाकी सब यस सर फ्लूड का रिवाइज करा देंगे। यस फ्लूड का बिल्कुल करेंगे रिवाइज, आराम से करेंगे उसको, तसल्ली बख्श रिवाइज करेंगे। ठीक है यस सर ओके, तो सबसे पहले तो ये है इसमें यार, फोर्स क्या होता है? पहले तो वेक्टर हाँ वेक्टर तो होता है, मतलब डेफिनेशन क्या होती है? पुल या पुश, पुश और पुल, हाँ विच कैन चेंज डायमेंशन और मोशन ऑफ अ बॉडी। विच कैन स्टॉप अ बॉडी और विच कैन स्टार्ट अ बॉडी मूविंग, विच कैन स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप, विच कैन मूव और ट्राई टू मूव अ बॉडी, विच कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, ऐसे कुछ बोल सकते हैं हम लोग। डायरेक्शन ऑल्सो, डायरेक्शन यस चेंज कर सर सकते हैं, वेरी गुड, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो वो फोर्स होता है, वो ऐसा पुश या पुल एफर्ट। यस सर ठीक है, और न्यूमेरिकली फोर्स जो है कह रहे हैं डीपी बाई डीटी होता है, तो होता ही है बिल्कुल। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है न्यूटन में, और सीजीएस क्या होती है? डाइन, डाइन। क्या रिलेशन होता है? 1 न्यूटन 10 पावर 5 डाइन। ओके, इसके अलावा एक और यूनिट होती है आपने देखा होगा केजीएफ, यस सर, तो 1 केजीएफ कितना होता है न्यूटन में? हाँ सर 9.8 न्यूटन। 1 केजीएफ मतलब जो फोर्स 1 किलो की बॉडी को अर्थ से खींचेगा, तो बॉडी अर्थ जो फोर्स लगाता है वो एफ इक्वल टू एम ए होता है, अर्थ के केस में एम जी हो जाएगा, जी 9.8 होता है, तो 1 किलो की बॉडी को जो अर्थ अपनी तरफ फोर्स लगाएगा 9.8 न्यूटन लगाएगा, उसको बोलते हैं 1 केजी फोर्स। तो 1 केजी फोर्स जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, 10 भी ले सकते हो अगर जी का वैल्यू 10 लोगे तो। ठीक है, तो 1 केजी एफ, अगर 1 ग्राम एफ की बात करूं तो जो 1 ग्राम बॉडी पे फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे, तो 1 ग्राम बॉडी को 1/1000 कर सकते हो आप, इंटू 9.8। ठीक है क्लियर है ये?
ओके तो ये तो हमारे खैर यूनिट हुए। अब फोर्स जो है दो तरह के हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट। एग्जाम्पल क्या होते हैं इनके? कॉन्टेक्ट का कॉन्टेक्ट में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट फोर्स है, ठीक है। और अच्छा नॉन कॉन्टेक्ट में क्या है? ग्रेविटेशन, सर ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, वीक फोर्स, वीक फोर्सेस वगैरह। अच्छा सेंट्रिपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रिपिटल, सेंट्रीफ्यूगल तो एक मैंने ठीक है, वो एक अलग टाइप है, मैंने वो कोई नेचर नहीं है फोर्स का, एक अलग टाइप है वो तो, ठीक है। सर जो फ्लूड के प्रेशर से फोर्स लगती है, हाँ बॉयंट फोर्स सर, वो कांटेक्ट में आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, बॉयंट कांटेक्ट है, और क्या है कांटेक्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। ओके सर, यहाँ पे टेंशन फोर्स, यस सर, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, यस सर, एंड सिमिलर जो अदर फोर्सेस आपके होंगे, बॉयंट फोर्स हो गया और हो गया आपके, वो सारे आपके कांटेक्ट फोर्स हैं। यहाँ पे वो एक्चुअली कांटेक्ट चाहिए होता है, ठीक यस सर, है। तो ये हमारे कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के एग्जांपल है। जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, जब आपने भी बोला फ्री बॉडी डायग्राम बता दो, तो वहां पे इन सब की हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। फोर्स बिटवीन द लेयर ऑफ द वाटर इज कॉन्टेक्ट फोर्स। हाँ, जो फोर्स बिटवीन द लेयर ऑफ वाटर होता है वो भी कॉन्टेक्ट फोर्स होता है ना, उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, तो वो भी एक तरह का कॉन्टेक्ट फोर्स है। ओके अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने इनर्शिया पढ़े होंगे, तीन तरह के इनर्शिया होते हैं। यस सर, इनर्शिया ऑफ क्या होता है? रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल क्या है? बस में हम खड़े हैं और एकदम से बस चलती है तो पीछे की तरफ धक्का लगता है। ठीक है, अगर एकदम से बस चल पड़ी तो पीछे गिर पड़ते हैं, तो हम रेस्ट में थे, बस आगे मूव कर गई, हम लोग रेस्ट में रहे तो गिर पड़े। यस सर, और एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सर बस चल रही है सर, इधर से ट्रेन पे खड़े हैं हम, चलती हुई ट्रेन पे, और रुकती है अचानक से। नहीं वो तो मोशन का एग्जांपल हुआ ना, अभी तो रेस्ट की बात चल रही है। सर पेड़ को इलाके जब आम आम गिराते हैं तो, ओके सर, मुझे लगा आप मोशन का पूछ सर रहे जब हैं। कालीन झाड़ते हैं सर उसमें भी, सर कालीन झाड़ने के टाइम, कालीन, सर कालीन, यस सर, सर वो तो क्वेश्चन कारपेट को उसमें जब भी बीट आया करते है। हैं, कारपेट को बीट करते हैं तो कारपेट के जो डस्ट पार्टिकल होते हैं जगह पे रुकने की कोशिश करते यस हैं, सर, वो यस सर, और कारपेट गिर रेस्ट, जाता है, इनर्शिया रेस्ट पे होते हैं। पार्टिकल जो है ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाते हैं। और वो सर मैजिशियन ट्रिक करते हैं कि एक वो होता है टेबल के ऊपर, सर वो कपड़ा खींचते हैं, सर हाँ कपड़ा तो, खींचने वाला और ये सर वो ट्रिक होती है सर, इनर्शिया सारी चीजों का, अगर बहुत जल्दी खींचेंगे तो सर सारी चीजें डिस्प्लेस नहीं होंगी, अपनी इनर्शिया जगह उनका पे रेस्ट रहेंगी। ही रहेगा। ग्लास के ऊपर आप ताश का पत्ता रखते हो, उसमें क्वाइन रखते हो, उसको मारोगे तो जेड भी लिख रहे हैं, तो यस सर, क्वाइन यस नीचे गिर जाता है ग्लास में, कार्ड आगे चला जाता है ना। ये सब एग्जांपल है यहाँ पे। रबिंग ऑफ ब्लैक बोर्ड बाय डस्टर, ये भी बोल सकते हैं एक तरह से, लेकिन यहाँ पे जो है मेनली कोएसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स बोलूंगा मैं, ज्यादा वो होते हैं, है ना। कोएसिव और एडहेसिव फोर्स यहाँ पे आते हैं। चलिए, कोएसिव एडहेसिव फोर्स पढ़े नहीं होंगे ना मैंने, जो बिटवीन द पार्टिकल्स होते हैं, जो एक तरह का चिपक जाता है मतलब पार्टिकल, तो वहां पे वो एग्जाम्पल है। डस्टर को अगर आप झाड़ोगे तो बोल सकते हैं आप, जो डस्टर को आप मैंने दीवार पे मारोगे और उसकी डस्ट गिरती है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल चलती हुई बस रुके सर, चलती हुई चलती हुई बस, बस रुक जाए अचानक से तो आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है। और सर अगर हम लोग जैसे कार में बैठे और अपने हाथ में से बॉल उछालते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मोशन दिखता है और हाथ में ही गिरती है, अगर हाथ में ही गिरती है। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो। अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हूँ, बॉल को ऊपर उछालू तो मेरे हाथ में गिरेगी। ओके, अगर मान लो मेरी कार एक्सेलेट हो रही है तो कहाँ गिरेगी फिर? पीछे सर, पीछे सर बैकवर्ड गिरेगी, पीछे पीछे, क्योंकि जो बॉल होगी उसकी स्पीड, जब मैंने फेंका होगा उसकी स्पीड होगी कुछ मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। अब बॉल तो 10 से ही जाएगी, लेकिन मैं जाऊंगा, मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है, 10 से 11 12 13 हो रही है, तो मैं आगे निकल जाऊंगा, बॉल पीछे रह जाएगी, तो बॉल कहाँ गिरेगी? यस मेरे सर, पीछे, पीछे, अगर कार एक्सेलेट हो रही है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर, यस सर, और अगर कार रिटार्ड हो रही है तो? सर तो आगे गिर जाएगी, आगे गिरेगी।
आगे गिर जाएगी, है ना। सेम चीज ट्रेन के केस में भी हो सकती है। यस सर, यस सर, ओके। एंड ट्रेन में भी दो केस हो सकते हैं कि ट्रेन में आदमी किधर को बैठा है, मैंने टुवर्ड द इंजन की तरफ बैठा हुआ है या उल्टा बैठा हुआ है। अगर मान लो टुवर्ड द इंजन है तो कार वाले सारे केस हो जाएंगे जो सेम आपने बोले अभी, लेकिन अगर मान लो मैं उल्टा बैठा हूं सर अपोजिट हो जाएगा सर। मेरी स्पीड बढ़ रही है, मैंने एक्सेलेरेट हो रहा हूं, तो बॉल कहां गिरेगी? हमारे सर आगे, आगे मतलब बैकवर्ड। जाएगी, मतलब है ना, यस सर, आगे की साइड जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे केस उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि कैसा केस आपसे पूछा गया है। तो ये सब इनर्शिया और एक एग्जांपल है। अच्छा, डायरेक्शन के एग्जांपल क्या हुए? तो सर डायरेक्शन का सर, कार जब मुड़ रही हो सर तब। हमें एक फोर्स फील होता है, यस सर, किधर को फील होता है? सर ओपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ऑपोजिट जिधर में मुड़ रही है उसके ओपोजिट में सर, माने बाहर की तरफ को या अंदर की तरफ को? बाहर की सर तरफ, बाहर सर की तरफ, बाहर सर की तरफ तो को, क्या बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल उसको, टाइप, उसको सर सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। जैसे आपने अपने मिक्सर ग्राइंडर में वगैरह किया होगा कभी, तो बाहर की तरफ को पार्टिकल गिर जाते हैं। यस सर, सर ड्रायर में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता ड्रायर है में भी ये होता है, जो कपड़े सुखाते हैं आप लोग, तो पानी बाहर निकल जाता है उसका, है ना। सर। तो मंगलयान इसी इसी की मदद से भेजा था मंगलयान में जो भेजा था उन्होंने, वहां पे क्या किया था उन्होंने? सर, उसके जो सर, नहीं ऑर्बिट है सर, उसको वहां बड़ा नहीं किया था, होगा। और जब काफी इनर्शिया आ गया था तो उसको ऑर्बिट से मतलब ब्लास्ट ऑफ करवा दिया। मुझे कुछ नहीं याद सर, आ रहा है, सर लेकिन वो वो सर उसका केस वो नहीं है सर, वो सर, तो केस अलग है उसमें थोड़ा। वो केस अलग होगा, वो सेंट्रीफ्यूगल नहीं है। यस सर, सर उसमें तो सर सेंट्रिफ्यूगल होता, सर ग्रेविटी वाला होता। वहां पे क्या किया था उन्होंने कि जब सर वो उसकी एनर्जी ऑर्बिट, स्टोर करके बूस्ट कर रहे थे अचानक से। हाँ जब यस ऑर्बिट सर, बढ़ गई थी तब उन्होंने उसका इंजन ऑन किया था, थ्रस्ट दिया था एकदम से, और वो फिर ऐसे वो पॉइंट पे कर रहे थे सर, जब रेडियस जो होती है सर, सर क्योंकि पेरिजी उन्होंने में जाके वो बूस्ट कर सर्कुलर में रहे थे। नहीं कर रखा था मोशन, उन्होंने कर रखा था ओवल। तो सर जब बिल्कुल दूर में हो रही थी ना सर, सबसे ज्यादा दूर सेंटर से सर, तब वो इंजन ऑन कर रहे थे जिससे रेडियस और बड़ी हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे जब पहुंचा रेडियस बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे जब जाएगा वो फिर वो और बड़ी रेडियस में घूमने लगेगा, ऐसे कुछ कर रहे थे प्लान, है ना। तो इट वाज अ डिफरेंट डिफरेंट केस, है ना। एस्केप वेलोसिटी अलग चीज है। जैद यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी 11.2 तो अर्थ के सरफेस पे होती है, वहां पे कुछ और होगी ना, आप ऊपर हो काफी अर्थ से। तो मंगलयान केस डायरेक्शन अलग में है, वो डायरेक्शन वो अलग केस नहीं है, वो अलग केस है, सेंट्रीफ्यूगल का केस नहीं है। ठीक है, अच्छा आप लोग कह रहे हो सेंट्रीफ्यूगल, आपने डायरेक्शन का एग्जांपल दिया अभी तक कार वाला, कार में जब हम घूमते हैं तो बाहर की तरफ को फोर्स लगता है, इसके अलावा और एग्जांपल? टायर यस सर, सर टायर में जो डस्ट कार्ड रहता है। में जो मड होता है, हाँ यस सर, मड गार्ड वो मड गार्ड जो है वो क्या होता है, आपका जो टायर घूमता है तो आपकी जो जो मड टेंजेंट होती है स्पीड वो होता ऐसे है। जाती है, तो आप मड गार्ड यहाँ पे लगाते हो, है ना। यस सर, अगर मान लो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ना होता तो क्या होता, मड फिर ऐसे घूम के आती यस सर, भाई, अगर उसको डायरेक्शन फिक्स में, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है, क्योंकि टायर आपका ऐसे घूम रहा है, मतलब टायर के जो ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट की स्पीड इधर को है, तो अगर पॉइंट टायर के पार्टिकल की स्पीड इधर को है तो डस्ट पार्टिकल की स्पीड भी इधर को होगी, तो जब अगर उसे छोड़ेगा टायर को तो उधर से बाहर निकलेगा, यस सर, है ना। तो इसकी एक डायरेक्शन फिक्स हो गई, तो अभी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। यस सर, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। यस सर, तो इनर्शिया क्या होती है एक्चुअली, प्रॉपर्टी अगर बोले तो इनर्शिया को कैसे डिफाइन करेंगे वैसे? प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। हाँ, तो कुछ में ना अपनी मोशन चेंज करने की, बॉडी में हर बॉडी में होती है एक टेंडेंसी कि अपनी या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, और अगर वो एक डायरेक्शन में चल रहा है तो एक डायरेक्शन में चलते रहेगा, आप खुद चेंज नहीं करेगा। चेंज करने के लिए क्या चाहिए होगा आपको, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा। तो ये कौन सा लॉ है न्यूटन का? फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ है कि जो बॉडी है वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करे, जैसे कह रहे रुके ना टोके। तो जैसे हम लोग होते हैं ना, कई बार तो खेल रहे हैं तो दिन भर खेलना ही, हम नहीं चाहते कि कोई आके हमें बोले पढ़ाई करो, तो यस इनर्शिया सर, हमारा इनर्शिया एक्ट करेगा वो, है ना। यस सर। कभी सर अब तो घर में बंद कर दिया सर, इनर्शिया ही खत्म कर दिया बिल्कुल 2 साल में, कभी अच्छा, बाहर और जाने नहीं देते, पकड़ के रख लेते हैं। अच्छा ऐसे देख लो, घर वाले पीछे सुन रहे होंगे, पिटाई कर देंगे भी।
सर वो तो सुनते रहते हैं सर, उन्हें भी पता है। अच्छा तो ऐसा होता है जब पेपर आते हैं तो हम लोग पढ़ाई करते हैं बहुत ज्यादा, घर वाले कहते हैं सो जा यार इतनी मत कर, तो फिर हम पढ़ाई करते रहते हैं बहुत ज्यादा। yes. तो वहाँ इनर्सिया पढ़ाई आ जाता है फिर हमारा। yes. कभी इनर्सिया गेम आ जाता है ना, तो हमारा भी एक वो होता है कि मूड है, आज मूवी देख रहा हूँ दिन भर मूवी देख रहा हूँ, दिन भर पढ़ाई कर रहा हूँ दिन भर पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इनर्सिया अच्छी चीज है खराब चीज है वैसे? हिंदी में फिजिक्स में अच्छी चीज है नहीं, अगर लाइफ में बोलूं तो हिंदी में जड़त्व बोलते हैं सर, दोनों कह सकते हैं। अगर रात को सोएंगे तो सर बाबर उठ जाएंगे तो सर क्या फायदा। अच्छा तो वहां पे अच्छा है, वेरी गुड। और खराब कब है सर? खेले जा रहे हैं बाहर, तो वहां पे अगर ज्यादा इनर्शिया तो खराब है ना, तो कहीं पे अच्छा है कहीं पे खराब है, दोनों है। दीदी भी कह रही है, तो जैसे हमने फ्रिक्शन को बोलते हैं फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, तो दोनों चीजें हैं उसमें, फायदा भी है नुकसान भी है। तो ऐसी इनर्शिया भी जो है फायदा भी है नुकसान भी है। वैसे जो इनर्शिया टर्म यूज करते हैं वो जड़ को बोलते हैं, मैंने हिंदी में अगर आप देखेंगे, आई डोंट नो हिंदी पोएम, आप लोगों को हिंदी तो है ना सब्जेक्ट? यस सर। यस सर। अच्छा तो हिंदी में जो पोएम आती है उसमें बोलते हैं जड़ है, बिल्कुल जड़ मतलब जो पत्थर होते हैं उनको जड़ बोलते हैं। और एक होता है जड़ का उल्टा क्या होता है हिंदी में सर? चेतन कहते हैं, जिसमें चेतना हो। चेतन होता है जिसमें चेतना हो, तो पत्थर को जड़ बोलते हैं। और चेतन हमारे पास चेतन है सर, पत्थर नहीं है। चेतन लिख रहे हैं आप, चेतन तो जड़ का उल्टा चेतन होता है। चेतन मतलब जो चैतन्य है, जो मैंने एक तरह का जगा हुआ है। तो जड़ और चेतन, तो जड़ मतलब वो कुछ करेगा नहीं, पत्थर अगर रखा हुआ है तो रखा हुआ है, वो खुद नहीं हिलेगा, या वो चल रहा है तो चलता रहेगा, गिरता है तो गिरता रहेगा पहाड़ से। लेकिन अगर मान लो कोई आदमी है तो वो खुद चल सकता है, आदमी है तो वो पहाड़ से गिर रहा है तो कोशिश करेगा रुकने की, कहीं पर रुक जाऊं अपने हाथ सपोर्ट लगाए। yes, तो वो फर्क है इनर्शिया में और इसमें चैतन्य में, ठीक है, जो एक लिविंग चीज होती है। तो ये है, ठीक है। yes, तो एक साहित्यिक मीनिंग हो गया। तो फिजिक्स में हमने समझ लिया क्या मीनिंग होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फिजिक्स और हिंदी को कनेक्ट कर दिया। अच्छा नहीं, हमारे पोएम थी उसमें था जड़ता है जीवन की पीड़ा, ऐसे करके कोई पोएम थी। तो आई फॉरगॉट की किसकी थी, हरिवंश राय बच्चन थे या रामधारी सिंह दिनकर थे, पता नहीं कौन थे, तो ऐसा कुछ ध्यान आ गया मुझे लाइन है ना। तो उसमें कहते हैं जड़ता जो है जीवन की पीड़ा हो जाती है कई बार, जो आदमी का दिमाग बिल्कुल रुक जाता है कहीं पे। सर आपने हिंदी में पढ़ी है ना? हाँ तो हिंदी तो हमारे पास तीन सब्जेक्ट, तो हिंदी में यार हमें, मेरे को स्पेशली जो मिला था सर्टिफिकेट मिला था दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, आई गॉट वेरी गुड। आपने हिंदी मीडियम था ना शायद तब तक? 10th तक मेरा हिंदी मीडियम था, फिर 10th के बाद आई आवाज से, नहीं मीडियम में दोनों थे उस समय, लेकिन मेरा हिंदी था। ओके सर। और हिंदी एक्चुअली जो साहित्य था मुझे थोड़ा बहुत पसंद था, पता है हमारे टाइम पे जीवनी आती है, आपके टाइम पे जीवनी आती है नहीं, जो ऑथर के बारे में जो उसकी हिस्ट्री होती है, कुछ आता है अभी सर? वो जो बुक के स्टार्टिंग यस सर आती है, बारे में बताते हैं ना? आती है यस सर, थोड़ी थोड़ी सर, उनमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा कहते हैं, उसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे में जीवनी पूरी लिखने को आती थी कि जीवनी लिखो पूरे ऑथर की, जब सब्जेक्टिव पेपर होता है पूरा। यस सर, यही बता रहे थे मेरे को कि ये सब याद कर ले, जीवनी लिखने को आएगी पूरे ऑथर की पहले, लिखने से पहले बायोग्राफी। सर इतना तो, डरा दिया सर, फिर ऑप्शनल पेपर हुआ। अच्छा तो हमारे में जीवनी जो है ना, जीवनी आती थी तो 11 हमारे लेसन थे हिंदी में, तो 11 जीवनी आती थी, तो 11 में से मैंने दो आती थी कोई भी, आपको कोई दो करनी थी, चॉइस होती थी उसमें। तो आपको कितनी याद करनी पड़ेगी मिनिमम? अगर 11 लेसन है और चॉइस आनी है वहां पे दो जीवनी में से, तो कितनी याद करनी पड़ेगी आपको मिनिमम? सर 11 ही याद करनी पड़ेगी। 11? नो, गलत सर, 10। 10 करनी पड़ेगी भाई, एक तो हमें तो कहते हैं 11 कर लो भाई, जब अगर मेरी अगर चॉइस आएगी, हमारा कंपलसरी है चॉइस आनी आनी है, तो अगर कंपलसरी है कि चॉइस आनी आनी है तो एक दस तो से काम चल जाएगा, एक तो आप छोड़ ही सकते हो। यस सर। तो हमारे टाइम पे जो है 11 जीवनियां थी, तो आई रिमेम्बर 10 या आई थिंक 11 याद कर ली थी मैंने। और जब आया एक्चुअल जीवनी आई तो पता किसकी आई? एक आई थी मुंशी प्रेमचंद और एक किसी और की आई थी, दो में से किसी एक करनी थी। और फॉर्चुनेटली मुंशी प्रेमचंद का एक पूरा नाटक आया था हमारे टीवी पे उस टाइम पे, संडे टू संडे,
तो उसके 5-6 एपिसोड मैंने देख लिए थे पूरे, मतलब पूरे 5-6 में खत्म हुआ था। तो जीवनी क्या, मुझे उनको पूरा पता था ए टू जेड मुंशी प्रेमचंद का उस समय। तो मैंने कहा था बढ़िया हो गया, प्रेमचंद का आ गया। तो भाई आपने अगर नाटक देखा हो, नाटक में मतलब ऐसा नहीं कि उसके बारे में बता रहे, उन्हें वो रोल था एक्चुअली, जो रोल जैसे होता है ना पूरा, महाभारत आई थी आपके टीवी पे, ऐसा मुंशी प्रेमचंद उसमें बने हुए थे और पूरा आया था। तो फिर तो आप भूल नहीं सकते उसे। सर इतना गंदा था सर पहला वाला ना एजुकेशन सिस्टम सर। अब सही हुआ था सर, कहा कि हम की जनरेशन को पढ़ने को मिलेगा सर, पूरा कोरोना ने ऐसा पूरा कि 12th तक पढ़ोगे ही नहीं तुम सर, ऐसे ही घसीट रहे बिल्कुल। कोई नहीं अब हो गया बस, अब सर जो टीचर है सर उन्हें दिक्कत हो रही है ना सर, वो बच्चे आ गए सर जो आने नहीं चाहिए थे, कुछ पता नहीं 9th का आ गए 10th में। हाँ अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे आ रहा था, उसमें लिखा था कुछ बच्चे जो थे वो कोरोना से पहले पढ़ पाते थे, अब वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, कुछ बच्चों का हाल इतना खराब हो गया है, जो गांव के छोटी क्लास के जो बच्चे हैं, गांव के जो बच्चे हैं सर, मेरे तो पढ़ना भी भूल रहे थे सर। सर वो ही कह रहे इन बच्चों को तो पता ही नहीं है पहले कितनी अच्छी क्लास थी। तो आप लोग तो फिर भी फॉर्चुनेट हो कि आप लोगों पे घर में वाईफाई लगा हुआ है, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, आपके पेरेंट पैसा खर्च कर पा रहे हैं, लेकिन जो कई गाँव के बच्चे हैं समथिंग है तो दे आर नॉट इवन गेटिंग द बेसिक एजुकेशन ऑल्सो, तो वहां तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस सर, यस सर। You should be fortunate कि आप लोग कोरोना में भी इतना सब पढ़ पा रहे हो और कर पा रहे हो, ये तो बहुत खराब हाल हुआ है बच्चों का पढ़ाई का। अभी अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब आप कभी देखोगे ना, जब पूरा इंडिया घूमोगे या समथिंग, कभी जाना आप लोग पता नहीं कौन सा इंटरव्यू की बात कर रहे हैं सर, चैट में कह रहे हैं इंटरव्यू में पूछा फेवरेट सब्जेक्ट, कह रहे बैंगन। कौन सा इंटरव्यू फेवरेट सब्जेक्ट सर, वहीं से पूछो सर, चैट वालों से सर, कह रहे इंटरव्यू में पूछा बच्चे उनसे तो सर कह रहे बैंगन। अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन है? एक बार हमारे यहाँ पेपर आया जो है एनटीएससी के बच्चों का, उस समय एनटीएससी 8th क्लास में होता था, तो उसमें पूछा गया कि व्हेन वी कनेक्ट कलेक्ट कनेक्ट सेल्स इन द सीरीज वी गेट डैश, तो क्या आंसर आना चाहिए? बैटरी। बैटरी आना चाहिए, लेकिन बच्चों ने क्या लिखा? बच्चों ने क्या लिखा? टिश्यू। सर ये सही बात है सर, ठीक बात है, है ना, ये भी सही है, टिश्यू हो सकता है। अच्छा एक उसमें क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द इमरजेंसी नंबर, इमरजेंसी नंबर क्या है डायल करने का, तो क्या लिखोगे? 100 100 100 100। हाँ लेकिन वहां पे बच्चे जो है ना सारे हॉलीवुड मूवी वाले थे, तो उन्होंने लिखा ही है 911। सर बहुत, सर बहुत अच्छे से पढ़े हैं सर ये बच्चे, हमें पता ही नहीं है चीजें। तो 911 आई थिंक यूएसए में यूज होता है मेरे ख्याल से, पहले तो मुझे ही पता नहीं था कहाँ का नंबर क्या लिख रहे हैं। yes, sir, US में। तो एक बच्चे ने लिखा, मेरे को लगा पता नहीं ऐसे लिख दिया होगा उसने, फिर मैंने देखा दूसरे ने भी लिखा था 911, किसी ने भी 911, मैंने फिर चेक किया नेट पर, पता चला यूएसए में यूज करते हैं 911 तो इमरजेंसी के लिए। यस सर, सर यूएस के बच्चों के पूछते हैं ये नंबर, सर हमारे बच्चों को याद हो गया। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है, मान लो घर में चोर आ गया तो 911 डायल करोगे तो आएगा कोई आपके, आप बेंगलोर में रहते हो और 911 दबाओगे कोई आएगा? नहीं सर। नो सर, नहीं आएगा ना, तो इंडिया के जहाँ आप रहते हो वहाँ के रूल तो याद होने चाहिए आपको, वहाँ के चलता है। यस सर, सर यूएस वाली पुलिस और बोलेगी पागल आदमी इंडिया से कॉल करके बोल रहा है यूएस से पुलिस भेज दो। हाँ तो कहेगा कहाँ पे हो आप, मैं कहा बेंगलोर में हूँ, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था डैश इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो क्या आंसर आना चाहिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल आना चाहिए। टोनी स्टार्क तो नहीं लिखा था बच्चे ने? टोनी स्टार्क लिख रहे हैं, टोनी स्टार्क नहीं था, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। पता उसमें बच्चे ने क्या लिखा? बच्चे ने लिखा एलेन मित्तल। एलेन मित्तल को जानते हो? लक्ष्मीवास मित्तल? नहीं सर मैं तो नहीं जानता। एलेन मित्तल इंडस्ट्रियलिस्ट है यार, जिसकी फैक्ट्री वगैरह है कि ये माने आयरन का काम करते हैं यूके का। ओके सर समझ गया सर, लक्ष्मी निवास मित्तल, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है वहां का शायद, आई थिंक ब्रिटेन का। सर ये अभी लिखा था या सर पहले लिखते थे? सर ये बहुत पहले की बात है, दस साल पहले की बात है लगभग।
तो उस समय ये लोग जो है इंडिया में कोई प्लांट प्लांट खोलने वो आ भी रखे थे इंडिया में, सब कोई बात बात चल रही थी उनकी। सर ऐसा लगता है सर हर कुछ 5 साल बाद जो नॉर्मल क्लासेस चलती थी रटने वाली, सर उनकी एक क्लास जरूर होती थी जो चुटकुला वाली होती थी, उनके पेपर में एक ना एक चुटकुला, अपने पेपर में उन्हें पास होने की उम्मीद नहीं होती थी इसलिए वो चुटकुला ही लिख देते थे, कहते कि टीचर सर पापा। हाँ लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा बच्चों ने जानबूझ के मैंने मजाक में लिखा, वो सीरियसली लिख रहे थे इसको, ऐसा ही है क्योंकि उनके नंबर कटे ना फिर उसमें, नंबर कम मिले उनको। यस तो ये है, चलो तो वापस आते हैं हम लोग। तो सेकंड लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ तो मैं देख लिया, सेकंड लॉ क्या है सर? एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, फिर इससे क्या निकल के आता है फाइनली? फोर्स इक्वल्स टू एमए, ये सेकेंड लॉ है। ओके, थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन इज इक्वल, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल है और अपोजिट है? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यस। और दे एक्ट ऑन सेम बॉडी और डिफरेंट बॉडी? डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट बॉडी सेम टाइम। जो रॉकेट होता है सर वो फोर्स लगाता है ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड उस टाइम पे फोर्स लगाता है रॉकेट की तरफ से जिस कारण से वो फ्लाई कर पाता है। ओके, और एग्जांपल क्या है इसके? सर गन का एग्जांपल सर, जब शूट करते हैं तो सर पीछे रिकॉइल ऑफ गन, गन है। और सर बोर्ड से जब चलते हैं साइकिल ग्राउंड की तरफ से जंप करते हैं तो बोर्ड पीछे को आ जाती है, या सर वॉकिंग, वॉकिंग। और सर बोर्ड का प्रोपेलर होता है नीचे वाला, क्या चीज? सॉरी सर, बोर्ड के अंदर प्रोपेलर, सर स्विमिंग, प्रोपेलर भी करते हैं, स्विमिंग, वेरी गुड, स्विमिंग है। प्रोपेलर जो होते हैं वो पीछे को गैस छोड़ते हैं, इनफैक्ट जो रॉकेट वाला केस बताया उसमें भी जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो गैस पे फोर्स है, जब रॉकेट अर्थ से थोड़ा दूर चला जाता है तो जो फोर्स गैस पे रॉकेट लगा रहा है और रॉकेट मैंने गैस को पीछे भेज रहा है और रॉकेट आगे बढ़ रहा है, तो दे दिया एक्शन रिएक्शन पेयर। दीवार पे मुक्का मारना, दीवार पे मुक्का मारना का एक्शन तो दिखता नहीं, रिएक्शन जरूर दिखता है लेकिन। यस सर, रिएक्शन विजिबल होता है ना उसमें, एक्शन तो विजिबल होता नहीं सर, रिएक्शन अच्छे से विजिबल होता है, रिएक्शन अच्छे से विजिबल भी होता है, रिएक्शन तो फील भी होगा इस बार, फील भी होगा ना दीवार पे, और जितना जोर से एक्शन करेंगे उतना अच्छा रिएक्शन फील होगा, नहीं? यस सर, और सर्दियों में तो और ज्यादा फील होगा। अच्छा, हमारे एक टीचर थे मैथमेटिक्स के, जब मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करते थे तो क्या करते, बच्चों को ऐसा कोई गलत क्वेश्चन किया तो उसको बुला के मुक्का मारते थे, तो फिर बच्चा अरे सर मार दिया, तो कहते अच्छा मुझे थैंक्स नहीं बोलोगे? कहते थैंक्स क्यों? कह रहे कि मेरे को भी तो एक्शन रिएक्शन तो मुझे बराबर फील हुआ ना, तो थैंक्स तो बोलो, तो मुझे तुम्हें फील हुआ तो मुझे भी तो फील हुआ, तो बराबर होगा नहीं होगा सर? बच्चा मन में बोलेगा हमें भी मौका दो। अच्छा ऐसा? यस सर। अच्छा, अच्छा मेरी क्लास में सर जिन्हें बच्चों को पसंद नहीं होते सर टीचर, या तो उन्हें नाम खराब बोलते हैं या फिर सर अगर देख ना रहा हो सर नाम रखते हैं अलग अलग। हाँ तो हमारे टाइम पे रखते थे सर, मेरी क्लास में तो हीरे कहते हैं। क्या नाम रखते हैं सर? हीरे। ईबे सर? डायमंड्स। अच्छा हीरे। सर मेरी क्लास में सर एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट। सर मेरी क्लास में सनकी, सनकी। हमारे पता है जब डीसी में थे ना तो हमारे जो प्रिंसिपल थे उनका नाम पता क्या रखा था बच्चों ने सर? क्या? डंबलडोर। ओके सर, हैरी पॉटर के पैर। वो लगते ही उनके बाल ही बड़े बड़े थे ना, पीबी शर्मा था उनके बाल बहुत बड़े बड़े थे, उसका नाम डंबलडोर रखा था बच्चों ने कि डंबलडोर आ गया भाई। मेरे बाबा का नाम रखा था सर तोता। तोता क्यों सर? उनकी नाक बड़ी थी और सर और रखा भी तो सर पापा की क्लास में वालों ने था बच्चों ने। अच्छा सर बाबा ने पढ़ाया पापा को और सर पापा की क्लास में किसी ने नाम रखा उन बाबा का नाम तोता। अच्छा और तो ये काम केवल, अच्छा ये काम केवल ना स्कूल में नहीं होते, ये काम ना कॉलेज में भी होते हैं फिर, और फिर ऑफिस में भी होते हैं। अरे सर पेरेंट्स के भी नाम रख देते हैं सर, मेरे पापा पेरेंट बन के गए थे सर, रजनीकांत नाम रख दिया। अच्छा क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? सर चश्मा पहन के गए थे। अच्छा क्या काले वाला?
यस सर। अच्छा सर, एक तो बहुत तेज चलाते हैं सर पापा बाइक, ऐसा सर कोई बैठता नहीं सर स्कूल में उनके साथ पीछे बाइक में मेरे अलावा, कहते कि अरे एक्सीडेंट हो जाएगा सर। अच्छा ओके, बहुत तेज सर, क्लास सर गली में भी डरते हैं लोग। अच्छा आनंद कह रहे हैं मेरा नाम स्कूटर, स्कूटर क्यों रखा आनंद नाम? स्कूटर क्यों रख दिया? नो रीजन सर, वो नहीं बताना चाहते लगता है। बताना नहीं चाहते, चलो कोई बात नहीं पास। तो मैंने कुछ भी नाम, अरे अच्छा ऑफिस में भी होता है, ऑफिस में जब एक जगह काम करता था वहां ना बॉस थे जो दो बॉस थे वहां पे एक्चुअली, तो एक का नाम रखा होता उन्होंने छोटे पापा, एक का नाम रखा था बड़े पापा। तो ऐसे रखा होता मजाक में आपस से बात करते रहे एम्प्लॉई कि यार बड़े पापा आ गए और डांट दिया उन्होंने उसको, डांट दिया आज। यस सर, सर दोस्तों का भी नाम रख देते हैं। अच्छा हमें ये लगता है कि बॉस को पता नहीं होता, तो आप बॉस को ही पता था? सर बॉस को सर सबको सब अपने नाम पता होते हैं सर, पर बोल के फायदा क्या। हाँ तो एक दिन वो आए, ऐसी कोई बात चली थी तो वही आए सर जो थे मैंने हमारे सीनियर जो बॉस थे वहाँ पे, तो कुछ बोलने लगे, उनको बोला कि यार तूने काम नहीं किया ये नहीं किया, तो ऐसे से क्या लगता है तुम्हें कि बड़े पापा छोड़ देंगे तुम्हें? तो सब लोग हंसने लग गए एकदम से। तो ये सब चलता रहता है लाइफ में, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है और थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी होता रहता है इससे। अच्छा ये क्या होता है सर? इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है सिस्टम का। कब? ये इनिशियल इक्वल टू फाइनल होता है किस कंडीशन में? जब एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम यस सर। एग्जांपल क्या उसने? सर अगर हमारे पास दो बॉल्स है इक्वल मास की और फ्रिक्शनलेस प्लेन पे अगर हम उनको रखा और हमने एक को वेलोसिटी दी तो दूसरे पे जाके वो उसको टकराएगी और खुद रुक जाएगी और सारा मोमेंटम दूसरे पे ट्रांसफर हो जाएगा। सर एक और हो सकता है सर, अगर हम बहुत तेजी से सर भाग रहे सर कार्ट को लेके और कार्ट को छोड़ दे और हम रुक जाए तो सर हमारा जीरो हो गया पर हमारा मोमेंटम उसमें ट्रांसफर हो गया। नहीं ये तो एक इनर्शिया मोशन का एग्जांपल हो गया। ओके सर, कंजर्वेशन मोमेंटम का एग्जांपल क्या हुआ? और कार एक्सीडेंट कैसे? गन और बुलेट, वेरी गुड। जब गन से बुलेट फायर करते हैं तो वो भी एक इनिशियल मोमेंटम जीरो है, फाइनली इसका मोमेंटम पॉजिटिव हुआ, मान लो बुलेट इधर को गई तो पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, तो गन का मोमेंटम क्या होना चाहिए सर? नेगेटिव पीछे की साइड, क्योंकि नेट मोमेंटम वाज जीरो इनिशियल, तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। और क्या एग्जांपल हो सकता है सर? बॉम्ब ब्लास्ट में जैसे दो पीसेस एक तरफ और दूसरी तरफ उड़ते जाते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ टू पीसेस, जैद भी बोल रहे हैं और अर्नब भी कह रहे हैं कि अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो बम ब्लास्ट के केस में भी मोमेंटम रिमेन कंजर्व, तो अगर दो पीस के केस में है तो एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, और अगर तीन, कई बार तीन चार टुकड़े होते हैं तो एक मान लो इधर गया एक इधर गया तो नेट तीसरा जो है फिर इधर को जाना पड़ेगा उसको, ताकि नेट मोमेंटम जीरो आए। यस सर, है ना, दिस इज द थिंग ऑफ मोमेंटम। तो ये सब एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और थर्ड लॉ के लगभग थर्ड जो लॉ है न्यूटन का, उनके एग्जाम्पल काफी कुछ मैच करते हैं, क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन से ही ये भी ड्राइव होता है कि मोमेंटम रिमेन कंजर्व। ओके यस सर, यस ओके। अच्छा मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर सर, वेक्टर वेक्टर द डिस्टेंस सर, उसकी डायरेक्शन मैटर करती है, डायरेक्शन मैटर करेक्ट। मान लो एक बॉडी है 2 केजी की और ये आ रही है 1 मीटर पर सेकंड से और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 0.5 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन दिस केस? फटाफट से बता दो, एक दीवार से टकराई और इसकी वेलोसिटी हो गई 0.5 मीटर पर सेकंड, कितना आएगा आंसर सर? -1 केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड, इन ये कह रहे हैं -1 केजी मीटर पर सेकंड। ओके बाकी लोग क्या बोलते हो?
मेंटी नहीं कराता मैं, ओहो मेंटी यार करेंगे पहले कोर्स, मेंटी की पड़ी है यहाँ, कोर्स का प्रेशर रहता है ना, पहले कोर्स तो खत्म करें, तेरे से मेंटी के पीछे पड़ी हुई है, मेंटी तो हम काफी सारी अब तो करा ही रहे हैं, तो उसमें आ जाओ यूट्यूब पे, मेंटी मेंटी सर मेरे को पता नहीं था सर, अब आऊंगा, हां यूट्यूब में काफी मेंटियां चल रही है सर, वो तो सीबीएसई ओरिएंटेड अभी कराते हैं, मतलब एनटीएससी के लिए तो नहीं रहती हैं, तब फिर नहीं आऊंगा सर, सीबीएसई वाली कराते हैं, जो सीबीएसई के जो चैप्टर है उनके अगर आपको कोई वीक है तो कर सकते हो। आनंद की हाइट कितनी है, बॉडी मास रेशियो निकाल लो उनका, हाइट बाय मास रेशियो क्या बोलते हैं, हाइट वेट टू मास, ओके तो इस केस में माइनस वन आया, सबका आंसर कितना आ रहा है आंसर, माइनस वन जैद कह रहे हैं, बाकी लोग माइनस वन, यस सर, यस सर, एक और लास्ट माइनस वन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अगली क्लास में करेंगे बाकी। मान लो ये केस होता, 5 kg की बॉल और ये टकराने के बाद कैसे चली गई, सपोज दिस एंगल इज लेट अस से 30, दिस इज 60, या लेट अस से कि इसको सेम कर लेते हैं, अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करते, ये भी 30 है और ये स्पीड भी सेम है, तो इन दिस केस व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, क्विक क्विक सर, सर माइनस 5 kg मीटर पर सेकेंड, माइनस 5, यस सर, ओके, 5 बाय माइनस 5 kg मीटर पर सेकेंड, 5/2, 5/2, यस सर, सर एक्स कंपोनेंट, यस सर 5/2, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, तो वेलोसिटी जो आ रही है आपकी ऐसे में इसको ब्रेक करेंगे, एक तो ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, यस सर, ठीक है, तो ये आने वाली बॉल है और जो जाने वाली है वो ऐसे जा रही है, इसके कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो एक ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा, अब ये जो एंगल है यहाँ पे अगर मैं एंगल देखूं तो ये एंगल मेरा जो बन रहा है यहाँ से, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, आई थिंक ये 30 बनेगा ना, ये ऐसा पैरेलल है ना, तो ये 30 होगा और ये हमारा, अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, तो वेलोसिटी का जब मैं कंपोनेंट बनाऊंगा तो इस वेलोसिटी यहाँ पे 1 है, इसका कंपोनेंट इधर वो कितना बनेगा सर, ये सर 1 cos 30, सर 1 cos 30, और इसका भी इधर को 1 cos 30 बनेगा, यस सर, यस सर, और इस साइड को कितना बनेगा, दूसरी साइड को सर 1 sin 30, दोनों का ये बनेगा 1 sin 30 बनेगा, यस सर, इधर को एंगल होता है उधर को cos बनता है, ध्यान रखिएगा, जिधर को एंगल होता है उधर को cos बनता है, दूसरी तरफ को sin बनता है, Yes, बॉल आके टकराई तो उसका एक कंपोनेंट इधर को था 1 cos 30, एक इधर को था 1 sin 30, टकराने के बाद अब एक कंपोनेंट इधर को है, एक इधर को है, तो कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ है, एक्स वाला चेंज हुआ है या वाई वाला चेंज हुआ है, दोनों चेंज हुए हैं सर, एक्स, सर एक्स वाला, एक्स वाला, केवल ये कंपोनेंट चेंज हुआ है, वाई वाला तो सेम ही है, टकराने के पहले वाले केस में सर, यस सर, सेकंड वाले में 30 के साइड वाली 1 sin 30 क्यों लिया है, सॉरी सर फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में आप तो कॉस ही लेंगे ना, इधर को, अच्छा इधर को, अच्छा ये कॉस होगा, वेट वेट वेट, वी हैव डन सम मिस्टेक आई थिंक, अगर ये एंगल ने 30 लिया तो ये 30 होगा और ये 30 होगा, तो ये वाला कंपोनेंट आपका उल्टा हो जाएगा सर, इस बात ने पूरा क्वेश्चन का आंसर बदल दिया, अभी देखो कितना आता है, यहाँ पे 1 cos 30 आएगा और ये वाला 1 sin 30 हो जाएगा, सर 1 sin 30, यस सर, और ये 1 sin 30, तो चेंज हमारा जो हुआ है, एक्स वाला चेंज नीचे भी 1 cos 30, एक्स वाला चेंज हुआ है, वाई वाला चेंज हुआ नहीं सर, वो तो सेम ही है सर, एक्स, तो अगर मोमेंटम में लिखो तो मोमेंटम हो जाएगा स्पीड जो 1/2 आएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/2 है, यस सर, वेलोसिटी मास, मास हमारा 5 है, तो इनिशियल मोमेंटम इज -5, कैन आई राइट इनिशियल मोमेंटम -5, यस सर, यस सर, इन एक्स डायरेक्शन, वाई का तो कहना ले नहीं रहा, मैं एक्स में ले रहा हूं, एंड पी फाइनल कैन बी रिटन एज +5, सर +5, बाय 2 भी तो करेंगे, बाय 2, यस बाय 2, क्योंकि मास हमारा वो, सॉरी ये हाफ है यहां पे ना, तो बाय 2, तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम सर, 5 kg मीटर पर सेकंड, 5/2 -5/2 व्हिच इज +5/2, सो इट विल बिकम 5/2 × 2
which is 5. This is the answer. Yes, sir. ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ओके तो चेंज इन मोमेंटम जब भी हमें निकालना होगा हम लोग डायरेक्शन से निकालेंगे और वेक्टर की तरह उसको सॉल्व करेंगे. तो अगली क्लास में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे और एफबीडी जो बोल रहे हो आप लोग वो भी करेंगे क्योंकि आगे जो क्वेश्चन होने वो एफबीडी के थ्रू ही हो पाएंगे. तो अगली क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके सर. चलिए तो आज के लिए स्टॉप करते हैं यहीं पे क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय सबको. ओके ओके सर. थैंक यू. चलिए बाय बाय सर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. Bye everyone.